डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ सोसाइटी में गंदगी फैलाने वालों को साफ करना है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लेना। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AK मूवी फैक्ट पे। दोस्तों, अगर आप लोग साल 2021 में रिलीज हुई रिपब्लिक फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी डब में देखना चाहते हो तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं रिपब्लिक फिल्म को और दोस्तों बताने वाले हैं कि ये फिल्म आपको हिंदी डब में कहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रिपब्लिक फिल्म ने रिलीज होने के बाद कितनी कमाई किया था और दोस्तों ये फिल्म हिट हुआ था या फिर फ्लॉप हुआ था, इसकी जानकारी भी आज की इस वीडियो में हम आप लोग को देने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो काफी रोमांटिक होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम बात करेंगे इस मूवी की प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में, जिसकी वजह से दोस्तों आप लोगों को आसानी से पता चल जाएगा कि ये फिल्म आपको कौन से यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा या फिर कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे आपको ये फिल्म आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से विस्तार में बात कर लेते हैं रिपब्लिक फिल्म के बारे में। बता दें दोस्तों ये फिल्म साल 2021 में रिलीज हुई भारतीय तेलुगु भाषा की राजनीतिक ड्रामा फिल्म है। इसे देवाकट्टा द्वारा लिखा गया है और निर्देशित किया गया है। और दोस्तों इस फिल्म को JB एंटरटेनमेंट और जी स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म में साई तेज, ऐश्वर्या राजेश और रामय कृष्णा इस फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म में जगपति बाबू भी आपको देखने को मिल जाते हैं। फिल्म की कथानक के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म में तेज का अनुसरण किया गया है, जो एक IAS अधिकारी है जो राजनीतिक की व्यवस्था और प्रशासनिक के साथ जो है मशीनरी में भ्रष्टाचार से निपटने को दिखाया गया फिल्म के अंदर। इसी के साथ दोस्तों रिपब्लिक फिल्म की फोटोग्राफी के बारे में हम बात करें तो 2020 के मध्य में शुरू हुई और फरवरी 2021 में COVID-19 महामारी द्वारा संक्षिप्त रूप से लंबित किए जाने के बाद समाप्त हुआ था। दोस्तों मनीष शर्मा ने फिल्म का निर्माण किया, जबकि छायांकन और संपादन क्रमोस M सुकुमार और परवीन KL द्वारा किया गया है। रिपब्लिक फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा के लिए 1 अक्टूबर 2021 को नाटकीय रूप से इस फिल्म को रिलीज किया गया था। रिलीज होने के बाद फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स भी देखने को मिला है। साथ ही साथ दोस्तों बता दें फिल्म को 2020 की शुरुआत में लॉन्च किया गया था और फिल्मांकन 2020 के मध्य में शुरू हुआ था, लेकिन जैसे कि आपको पता है इंडिया में COVID-19 महामारी के कारण फिल्मांकन उस वक्त रोक दिया गया था। और दोस्तों बाद में दिसंबर 2020 में फिर से शुरू किया गया, जहां पे निवेदा पेदुराज को पहले फिल्म के लिए चुना गया था, जिसे बाद में ऐश्वर्या राजेश ने बदल दिया था, उनकी जगह ले ली थी। इसके बाद दोस्तों फिल्म के शीर्षक की घोषणा 25 जनवरी 2021 को की गई थी। फिल्म को 64 दिनों के लिए शूट किया गया था और फरवरी 2021 में शूटिंग पूरी भी कर ली गई थी। और दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें इस पूरी फिल्म को बनाने में 64 दिनों के लिए शूट किया गया था और फाइनली फरवरी 2021 में शूटिंग पूरी की गई थी। तेज ने जून 2021 में अपने किरदार के लिए डबिंग शुरू भी कर दिया था। साल 2021 की शुरुआत में ही निर्माता ने घोषणा किया था कि फिल्म 4 जून 2021 को रिलीज होगी, लेकिन बाद में दोस्तों फिर से भारत में COVID-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण फिल्म के रिलीज को स्थगित करना पड़ा था। उदाहरण के लिए दोस्तों अगस्त 2021 में फिल्म के रिलीज की तारीख रखी गई, लेकिन दोस्तों फाइनली 1 अक्टूबर 2021 को इस मूवी को फिर से रिलीज किया गया था फाइनली। दोस्तों फिल्म की कहानी के बारे में अगर हम बात कर ले तो साल 1970 में टेलरू झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील में से एक मानी जाती है फिल्म में, और वहीं पे दोस्तों मछली पकड़ने वाले खेती के लिए एक महत्वपूर्ण झील भी ये बना हुआ है। लेकिन दोस्तों 40 से अधिक वर्षों के लिए झील मुख्य रूप से विशाखा वानी के स्वामित्व वाले मछली पकड़ने के खेतों पर बनाई गई है। इसके बाद देखने को मिलता है कि उसी के साथ ही साथ जो झील को प्रदूषित लोग कर रहे हैं। कहानी एलरू के एक चतुर और दुष्ट युवक पंजा अभिराम की ओर झुक जाता है, मुड़ जाता है, जो अपने पिता पंजा दशरथ के एक भ्रष्ट सरकारी अधिकारी होने के कारण अपने ही परिवार के भीतर भ्रष्टाचार का अनुभव करने के बाद समाज को सच्चा और ईमानदार बनाना वो पसंद करते हैं, जिसके कारण दोस्तों वह अपने पिता को नापसंद करते हैं और विभिन्न परीक्षाओं में अपने उच्च स्कोरिंग के साथ उन्हें
MIT में सीट मिल जाती है। हालांकि दोस्तों उनके पिता के एक चुनावी जो है धांधली में भाग लेने के कारण उन्होंने इसे बदलने के लिए राजनीतिक व्यवस्था में और अधिक जो है गोता लगाने का फैसला कर लिया। इसके बाद दोस्तों अभी भी एक साथ जो है मायरा उनके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि मायरा हेंसन से मिलती है जो एक NRI इंसान है जो अपने लापता भाई डॉक्टर वरुण हेंसन की तलाश करने की कोशिश कर रही है, जिससे दोस्तों यहाँ पे गुमनाम के एक स्थानीय गुंडे के साथ बातचीत करने के लिए जाना जाता है। इस बीच दोस्तों एक नई पार्टी की स्थापना होता है और चुनाव में क्लीन स्वीप करते हुए वानी ने यहाँ पे किंग मेकर की छवि हासिल करते हुए अपने बेटे इंद्रकुरु के साथ विष्णु वरदान को आंध्र प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बना दिया। अब दोस्तों बाद में हमें देखने को मिलता है कि अभी एक ऑटो चालक मनी और वानी के खिलाफ न्याय के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे उसके पिता से मिलने जाते हैं। इस बीच अभी और मायरा को ये पता चलता है कि वरुण मृत पाया जाता है, लेकिन उन्हें पुलिस से कोई भी समर्थन नहीं मिलती है। इससे दोस्तों ये एक म्यूट अंत होने लगता है। इसके बाद दोस्तों UPSC परीक्षा उसी वक्त आ जाता है जहाँ पे उत्तीर्ण करने के बाद अभी अपने सशस्त्र कार के लिए जाता है, लेकिन दोस्तों ट्रेन में जहाँ पे PTSD प्रकरण के बाद वह मनी को गुना धारा मारते हुए देख लेता है जो वानी के आदेशों के अधीन होता है। लेकिन अभी ये सब देखने के बाद अपने इंटरव्यू के लिए जाता है, लेकिन अपने यहाँ पे मानसिकता के कारण जो है चयनित नहीं हो पाता है। हालांकि दोस्तों कुछ दिनों बाद हुआ परीक्षा में टॉपर के रूप में समाप्त होता है, जिसे स्वयं सहित सभी ने माफ कर दिया। अभी को तब ये पता चलता है कि उसे UPSC बोर्ड द्वारा जिले के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में लागू करने के लिए एक प्रयोग के रूप में चुना गया था और राज्य के किसी भी राजनेता द्वारा उसमें जो हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, ये भी आगे देखने को मिलता है। अब दोस्तों फिल्म के अंत में हमें देखने को मिलता है अभी के अपना काम शुरू करने के बाद वह गुना को खोजने की कोशिश करने लगता है। इसके खिलाफ जो है एनकाउंटर का आदेश दिया गया है और वह उसे मारने में कामयाब हो जाता है। हालांकि दोस्तों उसे जो है उसे उस स्थान पर मायरा को बेहोश पाते हैं, जहाँ पे अभी उसे अस्पताल लेकर जाते हैं और ये पता लगाने के लिए कि उसके साथ क्रूरता से बलात्कार किया गया है। और दोस्तों बाद में पता चलता है और उनके शोध के कारण गुना धारा मारे जाने के करीब है। फिर दोस्तों वह बच्चों के बारे में पता लगाने के लिए यहाँ पे पूछताछ किया जाता है कि वह मर गए हैं या नहीं और अभी तक नहीं मिले हैं। लेकिन दोस्तों गुस्से से भरे हुए अभी ने मीडिया को संबोधित करने का फैसला किया और सिस्टम ही इस तरह की चीजें कर रही है इसके ओर इशारा किया। इसके बाद दोस्तों वरुण का वीडियो सबूत मिल जाता और ये पता चलता है कि वरुण एक न्यूरोलॉजिक जो प्रोफेसर है और डॉक्टर है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कहानी और भी फ्लैशबैक में जाती है कि कैसे वरुण की पत्नी राधिका एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी से मर गई थी जो कि टेलरू झील में मछली के यहाँ पे कारण हुई थी। ये सब फिर वह दोस्तों यहाँ पे अधिक लोगों को प्रभावित देखा गया और जो कुछ भी हो रहा था उस पर जो है शोध करने की योजना बनाया जाता है और इसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं सभी लोग। और ये वानी के मतली जो फॉर्मों से दूषित था, इसके वजह से झील के बारे में झूठी खबरें देने के लिए क्रोधित अभी अपने पिता और स्वास्थ्य अधिकारी दोनों को ही लंबित कर देता है उनके पद से। आगे दोस्तों देखने को मिलता है कि अभी इस जानकारी के साथ वानी के खेतों और झील पर सभी जो है निर्माण को हटाकर समझने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन वानी अपना सफर जो है बताकर उसे समझाने की कोशिश करती है। इसके बाद दोस्तों वह समाज में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता है, क्योंकि पहले एक यहाँ पे समाजवादी की बेटी होने के नाते वह नहीं और वह उन्हीं की तरह जो हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे आपातकाल के दौरान उसने अपने पिता और पति को खो दिया। इसके वजह से तब उन्हें समझ आया कि कोई कितना भी सिस्टम को बदलने की कोशिश कर ले वो नहीं बदल पाएगा। फिर उसने बाद में सिस्टम को यहाँ पे अडॉप्ट किया, जिसकी वजह से हालांकि वानी ये यानी कि कहकर मछुआरों का पक्ष लेती है कि वह सभी उसके खेतों में यहाँ पे ही धारक होंगे और उन्हें अभी के खिलाफ जो है कर देंगे। इसके बाद दोस्तों अभी दोनों पक्षों को वानी के खिलाफ जाने की कोशिश में एक बैठक बुलवाता है, लेकिन बहुत हिंसक हो जाता है बैठक में, इससे कई लोगों की जान चली जाती है। इन तथ्यों के बारे में UPSC बोर्ड अभी को निलंबित कर देता है और मामले की जांच शुरू करता है। बाद में अभी को पता चलता है कि वानी एक केंद्रीय पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयार है जो पहले जो है सरकार में थी और विरोध करना स्टार्ट कर देती है वहाँ पे।
दोस्तों अब इस मूवी के बारे में और भी अधिक जानने की कोशिश करें तो उन्हें तब जो यानी कि समझ आता है और केंद्रीय पार्टी द्वारा वानी को अपनी गली में लाने के लिए उसे एक राजनीतिक जो है उपकरण के रूप में उपयोग करने के लिए उसको आगे भेजा जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे निराश होकर हालांकि वह इस वजह से उनके पिता भी वहाँ पे गांव वालों से उलझ जाते हैं कि जिससे उनकी पिटाई भी हो जाती है। अभी अपने पिता को बचा लेता है और फ्लैशबैक में पता चलता है कि दशरथ एक बहुत ही ईमानदार अधिकारी थे, लेकिन दोस्तों उनकी ईमानदारी की वजह से उनकी कई जगह तबादला हो गया था जिससे उनकी पत्नी और बेटी की भी मौत हो गई थी, जो अंत तक उन्हें जो है अनुकूलन बनाती है और सिस्टम के लिए और जो भ्रष्ट हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अभी और दशरथ टीम बनाते हैं और सभी जो है उचित सबूतों के साथ यहाँ पे अदालत में अपील करने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जो है नरसिम्हा राज्य और केंद्रीय स्तर के राजनेताओं के बहुत जो है दबाव के बावजूद अभी की अंतिम जो है सुनवाई से प्रेरित होकर न्याय के लिए खड़े होते हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ पे वानी विजय कुमार और दशरथ को उनके पदों से हटा देते हैं और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने झील से सभी जो है निर्माण को एक बार में जो है ध्वस्त करने का भी आदेश दिया। इसी परिणाम के साथ जो है वानी अस्पताल में भर्ती हो जाती है और अभी से कहती है कि वह कितनी भी कोशिश कर ले सिस्टम नहीं बदलेगा। हालांकि कुछ दिनों बाद अभी ये पाता है कि झील पर फिर से जो है निर्माण शुरू हो रहा है और वह ग्रामीणों से पूछते हैं कि उन्होंने ऐसा करने का फैसला क्यों किया, तो वो कहते हैं कि उनकी जाति ने 40 वर्षों तक जो है शासन किया, लेकिन अब शासन करने की उनकी बारी है। लेकिन अभी को अंत तक मणि के पिता का समर्थन प्राप्त हो जाता है। हालांकि दोस्तों जल्द ही अभी खुद को मणि के पिता और उसके गिरोधारा जंगल के किनारे पर पाते हैं और अंत तक उनके धारा मारे जाते हैं, क्योंकि वह अपने ही लिए झील चाहते हैं, क्योंकि हत्या करने से पहले मणि के पिता अभी से उसे मारने और उसके विश्वासघात के लिए माफी मांगते हैं। ये महसूस करता है कि सत्ता के खेल में एक नया शिकार बनने के लिए यहाँ पे शातिर चक्र में प्रवेश करके ये वानी को आत्महत्या करने के लिए भी प्रेरित करता है, जिससे पता चलता है कि अभी के बारे में चिंतित थी और उसके काम की सराहना करती है और अंत में इस शातिर जो है राजनीतिक घेरे का शिकार बनकर थक गई। इसी घटना ने पूरे दो तेलुगु राज्यों को संकट में डाल दिया है और फिल्म ईमानदार अधिकारियों के साथ समाप्त होती है जो समाज के लिए किए गए कार्यों के लिए इस तरह से मारे गए थे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं रिपब्लिक फिल्म को, जिसे 2021 में रिलीज किया गया था। आइए दोस्तों अब रिव्यू करते हैं इस फिल्म की कहानी को। दोस्तों इस फिल्म के अंदर अभिराम के चरित्र की समीक्षा करते हुए सुभाष के झा ने कहा था, हाल के दिनों में मैंने किसी भी भाषा में किसी भी फिल्म में देखा है कि वह सबसे सच्चे नायकों में से एक है। इसके बाद दोस्तों सिनेमा एक्सप्रेस के राम वेंकट श्री कर ने इसे अच्छी तरह से तैयार किया गया फिल्म कहा और लिखा है कि गणतंत्र तथा भ्रष्टाचार के विचार पर एक स्मार्ट निर्माण फिल्म है और इसके नतीजे जो है निर्दोष लोगों के जीवन में कैसे आते ये देखने को जरूर मिलता है। उन्होंने कहा कि फिल्म के लेखन की मजबूत और वहीं पे सुसंगत है, क्योंकि श्रीकर ने एलान के साथ जो है यहाँ पे पाकुला की है, जहाँ पे आपको बता दें पैरा लेक्स व्यू जो है 1974 के साथ तुलना की थी, क्योंकि दोस्तों दोनों ही फिल्मों में संघर्ष एक जल निकाय को घेरता है और यहीं पे रहस्यमय तरीके से गायब भी हो जाते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के लिए अपनी जो है समीक्षा में हरिचरण पुदी पेरी ने कहा, तेज को यहाँ पे उपयुक्त रूप से कास्ट किया गया है और उन्हें चमकने और मजबूत जो है प्रदर्शन देने के लिए पर्याप्त गुंजाइश और स्क्रीन समय जरूर मिलती है। इसे दोस्तों तीव्र और राजनीतिक नाटक कहते हुए द टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता न्यायपति ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेट किया। न्यायपति ने अभिनय की सराहना करते हुए लिखा, तेज फिल्म में और चरित्र को अपना सब कुछ देते हैं, लेकिन राममय कृष्णा जो है बदमाश के रूप में स्वादिष्ट है, क्योंकि एक महिला जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगी भले ही वह आपके भाग्य की योजना ही क्यों ना बनाती है। इसके बाद दोस्तों एक हिंदू आलोचक ने संगीता देवी डंडू ने इसे एक मनोरंजन फिल्म कहा था और राजनीतिक नाटक जो है कहा कि जिसकी वजह से यहाँ पे पलायनवादी मनोरंजन मार्ग नहीं बताया। उन्होंने कहा कि फिल्म की ताकत जो है इसके गृह किरदारों में छुपी हुई है।
अभिनेता तेज रामिया और ऐश्वर्या के प्रदर्शन की सराहना करते हुए तेलंगाना टुडे के प्रकाश पेचेटी ने कहा है कि गणतंत्रता यहाँ पे निश्चित रूप से साई धर्म तेज के लिए एक पंख जोड़ते हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के लिए फिल्म की समीक्षा करते हुए गवेटा रानीत कुमार ने कहा था कि कट्टा ने रिपब्लिक को एक समर्थक जो है कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जो दर्शकों को यहां पे नागरिक जो है सक्रियता आलोचना और यहां पे लोकतंत्र की पवित्रता की रक्षा के लिए निरंतर जो है यानी कि सतर्कता से महत्व की याद दिलाई है। तो दोस्तों इस तरह के रिव्यू बड़े बड़े रिव्यूअर्स ने फिल्म के बारे में दिया है। कहानी को भी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। सभी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग जरूर दिया है। अभिनेता पंजा अभिराम एक नौजवान है फिल्म में जो राजनीतिक व्यवस्था को अंदर से बाहर बदलना चाहते हैं लेकिन जब वो हर मोड़ पर हार जाते हैं तो क्या वो अपने गृह नगर के भाग्य को बदल पाएंगे या नहीं यही कहानी देखने को मिलता है। देवाकट्टा उन विषयों से निपटते हैं जो सामान्य ज्ञान में छिपी हुई है क्योंकि फिर भी गणतंत्रता में दी गई है क्योंकि अखबारों की यहाँ पे सुर्खियाँ अक्सर जो है पड़ती है कि कैसे एक जो है कि बिहिसल और बुलो और या फिर जो है कई ईमानदार नौकर शाह के साथ जो है भाग्य एक चेतावनी संकेत की तरह जो है बिल्कुल अलग लगता है। दूसरों को उनके चुने हुए रास्ते पर चलने से रोका गया और फिर जो है जबकि लोकतंत्र के चारों जो है कि संतम एक दूसरे पर जो है कि दोषारोपण करते हुए दिखाया गया जो कि वास्तव में यहाँ गलती इसके ये फिल्म में आपको जानने को जरूर मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों अभिनेता पंजा अभिराम साई धर्म तेज यानी कि नामक एक युवक है जिसका अमेरिका में MIT में उज्जवल भविष्य है लेकिन यहाँ पे इसके बजाय वह अपने गृह नगर जो है एलुरु में वापस रहने का विकल्प चुन लेता है। और दोस्तों यहाँ पे सिविल को कुछ भी जो है यानी कि लिखता है लेकिन अपने पिता दशरथ यानी कि जगपति बाबू एक भ्रष्ट अधिकारी की तरह यहाँ तक कि एक जिला कलेक्टर के रूप में उनके शासन के लिए यहाँ पे बीज बोए जाने के बावजूद जो है मछली पकड़ने के उद्देश्य की एक यानी कि अतिक्रमिक जो है किया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे थेलेरु जल के साथ जो है निकाय सर्रे होते हैं जहाँ पे किसान जो है जिनकी जमीन जो है यानी कि जलाशय के साथ यानी आस पास है खुद को दोस्तों वो मार रहे हैं क्योंकि उन्हें कोई भी यानी कि भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मंत्री विशाखा वानी रामे कृष्णा एक व्यवसायी से राजनेता बनी हुई है जो यहाँ रेखाएं यानी कि खींचती है और उम्मीद करती है कि कोई उन्हें पार नहीं करेगा। जहाँ पे दोस्तों मायरा हैंसम ऐश्वर्या राजेश एक NRI है जो अपने लापता भाई की तलाश कर रही है जहाँ पे शतरंज के इस खेल में जहाँ केवल एक ही विजेता बन सकता है क्या ये होगा ये आपको आगे कहानी में पता चल जाएगा। अब दोस्तों फिल्म के यहाँ पे आरंभ में अभिराम कहते हैं कि नेनू भारतीय यूटू ने उनके अलावा कड्डू के साथ अपर चितू दीन कुंडू के साथ शंकर की प्रस्थित जो फिल्मों का संदर्भ देते हुए जहाँ यहाँ पे सतर्क मार्ग अपनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे उनका मानना है कि यहाँ पे बलात्कारियों को फर्जी जो है मुठभेड़ों में मार दिया जाना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों फिल्म के पहले भाग के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म का पहला भाग साई धर्म तेज को चीजों की मोटी में जाने से पहले अपने जो है डांस मूव से दिखाने का मौका जरूर मिलता है लेकिन दोस्तों ये कोई ऐसी फिल्म नहीं है जहाँ पे आपको कोई यानी कि मनोरंजन प्रदान किया गया हो। लेकिन दोस्तों क्योंकि देवाकट्टा के पास बताने के लिए एक बड़ी कहानी तो जरूर है लेकिन इसके अंत तक आप जो है सभी को आश्चर्य होता है कि क्या इस फिल्म में अभी और विशाखा वारिस सहित कोई भी यानी कि चरित्र जो दूसरे आधे हिस्से में सिर जो है झुकाने में सबसे ज्यादा खर्च करते हैं यहाँ तक कि लंबे समय में भी जहाँ पे मायने रखा जाता है तो ये एक रूपक फिल्म है जिसे वह तब जो है खोजा जाता है जब वह इसको जो है सिस्टम को बर्बाद करने वाली डेविल फिर से यानी कि मिल जाते हैं। डेविल फिश की कहानी कहा गया है क्योंकि फिल्म ये स्पष्ट करती है कि वीरता और सही इरादे भी आम तौर पर दिन बचाने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। गणतंत्र इसके दोषों के बिना नहीं है जबकि जो फिल्म आपको यहाँ पे बांधे जरूर रखती है। गति उन लोगों के धैर्य की परीक्षा ले सकती है जहाँ पे जानना चाहते हैं कि ये सब कहा जा रहा है कि मनीष शर्मा के गाने और स्कोर ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जबकि देवाकट्टा बीज बोते हैं फिल्म में क्योंकि प्रत्येक जो है व्यक्तित्व में अपने पिछले आघात और यहाँ पे अनुभवों का परिणाम जरूर दिखाते हैं। यहाँ पे गहरा करने के लिए पर्याप्त नहीं किया गया है क्योंकि यहाँ तक कि एक महिला का यौन शोषण
पर्सन या फिर एक जो है किसान की दिन दहना देने वाले बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये दिखाने के लिए कि लोग किस हद तक जो है जाएंगे। यहाँ पे सिनेमाई स्वतंत्रता कभी कभी गले में खराश की तरह जरूर खड़ी हो जाती है। एक बिंदु के बाद ऐसा लगता है कि निर्देशक एक बार में बहुत कुछ यानी कि ले लेता है। साई धर्म तेज के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म और चरित्र को अपना सब कुछ देते हैं। वह कुछ दृश्यों के दौरान जो है लड़खड़ाने पर फिल्म का वजन उठाने में कामयाब जरूर होते हैं, क्योंकि बहरहाल ये देखकर अच्छा लगता है कि अभिनेताओं को ऐसी पटकथाओं की ओर जो है रुख करना पड़ता है जो उनसे सामान्य और नेतृत्व के साथ अधिक की मांग जरूर करती है। रम्य कृष्णन यहाँ पे खलनायक के रूप में स्वादिष्ट है, क्योंकि एक ऐसी महिला जो आपके भाग्य की योजना बनाते हुए भी आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगी। एक नाटकीय दृश्य जहाँ इन दोनों का आमना सामना होता है, वह दिखाया गया है कि वह जो करती है उसमें कितनी यानी कि निपुण है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे गंदी राजनीति को संभालने में कितना भोला और कितना कच्चा अभी है, क्योंकि सर ऐश्वर्या राजेश अपनी भूमिका में अच्छी है, लेकिन एक ऐसी फिल्म में जहाँ मुख्य भूमिका भी फिल्म को यानी कि एक्सप्लोर करने के लिए एक चरित्र से ज़्यादा कुछ नहीं है। अंत में दोस्तों आपको बता दें, छड़ी के छोटे सिरे को सौंप दिया गया, क्योंकि श्रीकांत अयंगर, राहुल रामकृष्ण और यहाँ पे जगपति बाबू भी अपनी भूमिकाओं में काफ़ी शानदार चमकते हुए फिल्म में दिखाई दिए हैं। दोस्तों अगर आप हल्के फुल्के मनोरंजन की तलाश में हैं तो फिर आप रिपब्लिक फिल्म को आसानी से देख सकते हैं, लेकिन अगर आप एक गहन और दिल तोड़ने वाले अंत के साथ काफ़ी यानी कि यथार्थवादी और राजनीतिक जो है नाटक के मोड में है तो फिल्म देखें, क्योंकि फिल्म के अंदर आपको राजनीतिक कहानी को एक अच्छी तरह से बताया गया है। दोस्तों निश्चित रूप से पंजा अभिराम को प्रयोग के तौर पर अतिरिक्त जो है शक्ति प्रदान की जाती है, क्योंकि उसके जवाबों में बाद में जो है वरिष्ठ सदस्य सिविल सेवा और इंटरव्यू में उसका सशस्त्र कार्य लेते हैं, और दोस्तों उन्हें जो है राजनीतिक शक्तियों द्वारा यहाँ पे अंधाधुंध रूप से स्थानांतरित कर दिए जाने से भी बचाया जाता है। ये विशाखा वानी रम्य कृष्णा के साथ होता है, क्योंकि एक तीव्र संघर्ष के लिए मंच तैयार किया गया है जिसके अंगूठे के नीचे सब कुछ होता है। इन दोनों के आमने सामने आने से पहले दिवाकरण हमें जो है दरारे दिखाते हैं, क्योंकि पुलिस, सरकारी अधिकारी और यहाँ पे सिविल जो है सेवकों ने स्वीकार किया है कि सिस्टम जो है गहराई से सड़ चुकी है और मानते हैं कि कुछ भी नहीं बदला जा सकता है। जहाँ पे नायक को रक्षक के रूप में पेश करने के लिए कृषि और यहाँ पे पर्यावरण के मुद्दों का लाभ उठाने वाली फिल्मों में लोगों को असहाय जो यानी कि पीड़ितों के रूप में जरूर दिखाया गया है। इसके साथ दोस्तों गणतंत्र उन्हें जो है आसानी से जाने नहीं देते हैं, ये पूछते हैं कि क्या हम यहाँ पे लोकतंत्र में लोगों के रूप में वास्तव में परिवर्तन चाहते हैं, और इसके लिए जाति और अन्य जो है विभागों से जो है परे देख सकते हैं। दोस्तों अब फिल्म की ताकत इस बात में निहित है कैसे जो है ये लोगों को काले और सफेद के रूप में जो है चित्रित नहीं करता है। ये दर्शक जो है जगपति बाबू के चरित्र चित्रण के काम आते हैं, जहाँ पे इस तरह के तरीकों का इस्तेमाल जो है विशाखा वानी को उसके अपराध से मुक्त किए बिना यहाँ पे मानवीय बनाने के लिए भी किया जाता है। प्रोग्राम में आपको बता दें, भाग जो अभिराम को एक आदर्शवादी के रूप में स्थापित करते हैं, और एक यहाँ पे कलेक्टर द्वारा चुनौती दिए जाने के बाद अगर वह सिस्टम में शामिल हो सकते हैं जहाँ पे इसे जो है साफ कर सकते हैं, तो सिविल सेवाओं को लेने के लिए यहाँ पे MIT के सपनों को छोड़ दिया जाता है। कहानी दोस्तों यहाँ पे एलुरु और इसके जो आस पास के इलाकों में सेट किया गया है, जहाँ पे दशकों से जल निकाय का दोहन किया जाता है, जिससे जो है भूमि खेती के लिए यहाँ पे अनुपयुक्त होती है, और दूसरी यहाँ पे दूसरी जो है मछलियाँ मानव जीवन के लिए एक खतरा बनी हुई है। तो दोस्तों यही कहानी आपको रिपब्लिक फिल्म में देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आप लोग रिपब्लिक फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको G5 पर भी देखने को मिल जाता है, लेकिन फैंस आपको वहाँ पे सब्सक्रिप्शन जरूर लेना होगा। आप लोगों को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको सिर्फ मूवी रिव्यू, मूवी की बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही देखने को मिलता है, और दोस्तों मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता, ये तो आप लोगों को पता है। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हो तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से विस्तार में बात कर लेते हैं रिपब्लिक फिल्म के बारे में। बता दें दोस्तों ये फिल्म साल 2021 में रिलीज हुई भारतीय तेलुगु भाषा की राजनीतिक ड्रामा फिल्म है। इसे देवा कट्टा द्वारा लिखा गया है और निर्देशित किया गया है।
और दोस्तों इस फिल्म को जेबी एंटरटेनमेंट्स और जी स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म में साई तेज, ऐश्वर्या राजेश और रामय कृष्णा इस फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म में जगपति बाबू भी आपको देखने को मिल जाते हैं। फिल्म की कथानक के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म में तेज का अनुसरण किया गया है जो एक आईएएस अधिकारी है जो राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासनिक के साथ जो है मशीनरी में भ्रष्टाचार से निपटने को दिखाया गया फिल्म के अंदर। इसी के साथ दोस्तों रिपब्लिक फिल्म की फोटोग्राफी के बारे में हम बात करें तो 2020 के मध्य में शुरू हुई और फरवरी 2021 में कोविड-19 महामारी द्वारा संक्षिप्त रूप से लंबित किए जाने के बाद समाप्त हुआ था। दोस्तों मनीष शर्मा ने फिल्म का निर्माण किया जबकि छायांकन और संपादन क्रमोस एम सुकुमार और परवीन केएल द्वारा किया गया है। रिपब्लिक फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा के लिए 1 अक्टूबर 2021 को नाटकीय रूप से इस फिल्म को रिलीज किया गया था। रिलीज होने के बाद फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स भी देखने को मिला है। साथ ही साथ दोस्तों बता दें फिल्म को 2020 की शुरुआत में लॉन्च किया गया था और फिल्मांकन 2020 के मध्य में शुरू हुआ था, लेकिन जैसे कि आपको पता है इंडिया में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्मांकन उस वक्त रोक दिया गया था और दोस्तों बाद में दिसंबर 2020 में फिर से शुरू किया गया जहां पे निवेदिता पेदुराज को पहले फिल्म के लिए चुना गया था जिसे बाद में ऐश्वर्या राजेश ने बदल दिया था, उनकी जगह ले ली थी। इसके बाद दोस्तों फिल्म के शीर्षक की घोषणा 25 जनवरी 2021 को की गई थी। फिल्म को 64 दिनों के लिए शूट किया गया था और फरवरी 2021 में शूटिंग पूरी भी कर ली गई थी। और दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें इस पूरी फिल्म को बनाने में 64 दिनों के लिए शूट किया गया था और फाइनली फरवरी 2021 में शूटिंग पूरी की गई थी। तेज ने जून 2021 में अपने किरदार के लिए डबिंग शुरू भी कर दिया था। साल 2021 की शुरुआत में ही निर्माता ने घोषणा किया था कि फिल्म 4 जून 2021 को रिलीज होगी, लेकिन बाद में दोस्तों फिर से भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण फिल्म के रिलीज को स्थगित करना पड़ा था। उदाहरण के लिए दोस्तों अगस्त 2021 में फिल्म के रिलीज की तारीख रखी गई, लेकिन दोस्तों फाइनली 1 अक्टूबर 2021 को इस मूवी को फिर से रिलीज किया गया था फाइनली। दोस्तों फिल्म की कहानी के बारे में अगर हम बात कर ले तो साल 1970 में टेलरू झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील में से एक मानी जाती है फिल्म में, और वहीं पे दोस्तों मछली पकड़ने वाले खेती के लिए एक महत्वपूर्ण झील भी ये बना हुआ है। लेकिन दोस्तों 40 से अधिक वर्षों के लिए झील मुख्य रूप से विशाखा वानी के स्वामित्व वाले मछली पकड़ने के खेतों पर बनाई गई है। इसके बाद देखने को मिलता है कि उसी के साथ ही साथ जो है झील को प्रदूषित लोग कर रहे हैं। कहानी एलरू के एक चतुर और दुष्ट युवक पंजा अभिराम की ओर मुड़ जाता है जो अपने पिता पंजा दशरथ के एक भ्रष्ट सरकारी अधिकारी होने के कारण अपने ही परिवार के भीतर भ्रष्टाचार का अनुभव करने के बाद समाज को सच्चा और ईमानदार बनाना वो पसंद करते हैं, जिसके कारण दोस्तों वह अपने पिता को नापसंद करते हैं और विभिन्न परीक्षाओं में अपने उच्च स्कोरिंग के साथ उन्हें MIT में सीट मिल जाती है। हालांकि दोस्तों उनके पिता के एक चुनावी जो है धांधली में भाग लेने के कारण उन्होंने इसे बदलने के लिए राजनीतिक व्यवस्था में और अधिक जो है गोता लगाने का फैसला कर लिया। इसके बाद दोस्तों अभी भी एक साथ जो है मायरा उनके साथ जुड़ी हुई है क्योंकि मायरा हेंसन से मिलती है जो एक NRI इंसान है जो अपने लापता भाई डॉक्टर वरुण हेंसन की तलाश करने की कोशिश कर रही है, जिसे दोस्तों यहाँ पे गुमनाम के एक स्थानीय गुंडे के साथ बातचीत करने के लिए जाना जाता है। इस बीच दोस्तों एक नई पार्टी की स्थापना होता है और चुनाव में क्लीन स्वीप करते हुए वानी ने यहाँ पे किंग मेकर की छवि हासिल करते हुए अपने बेटे इंद्र कुरु के साथ विष्णु वरदान को आंध्र प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बना दिया। अब दोस्तों बाद में हमें देखने को मिलता है कि अभी एक ऑटो चालक मनी और वानी के खिलाफ न्याय के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे उसके पिता से मिलने जाते हैं। इस बीच अभी और मायरा को ये पता चलता है कि वरुण मृत पाया जाता है, लेकिन उन्हें पुलिस से कोई भी समर्थन नहीं मिलती है। इससे दोस्तों ये एक मृत अंत होने लगता है। इसके बाद दोस्तों UPSC परीक्षा उसी वक्त आ जाता है जहाँ पे उत्तीर्ण करने के बाद अभी अपने सशस्त्र कार के लिए जाता है, लेकिन दोस्तों ट्रेन में जहाँ पे PTSD प्रकरण के बाद वह मनी को गुना धारा मारते हुए देख लेता है जो वानी के आदेशों के अधीन होता है। लेकिन अभी ये सब देखने के बाद अपने इंटरव्यू के लिए जाता है, लेकिन अपने यहाँ पे
मानसिकता के कारण जो है चयनित नहीं हो पाता है। हालांकि दोस्तों कुछ दिनों बाद हुआ परीक्षा में टॉपर के रूप में समाप्त होता है, जिसे स्वयं सहित सभी ने माफ कर दिया। अभी को तब ये पता चलता है कि उसे यूपीएससी बोर्ड द्वारा जिले के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में लागू करने के लिए एक प्रयोग के रूप में चुना गया था और राज्य के किसी भी राजनेता द्वारा उसमें जो हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, ये भी आगे देखने को मिलता है। अब दोस्तों फिल्म के अंत में हमें देखने को मिलता है अभी के अपना काम शुरू करने के बाद वह गुना को खोजने की कोशिश करने लगता है। इसके खिलाफ जो है एनकाउंटर का आदेश दिया गया है और वह उसे मारने में कामयाब हो जाता है। हालांकि दोस्तों उसे जो है उसे उस स्थान पर मायरा को बेहोश पाते हैं, जहां पे अभी उसे अस्पताल लेकर जाते हैं और यह पता लगाने के लिए कि उसके साथ क्रूरता से बलात्कार किया गया है। और दोस्तों बाद में पता चलता है और उनके शोध के कारण गुना धारा मारे जाने के करीब है। फिर दोस्तों वह बच्चों के बारे में पता लगाने के लिए यहाँ पे पूछताछ किया जाता है कि वह मर गए हैं या नहीं और अभी तक नहीं मिले हैं। लेकिन दोस्तों गुस्से से भरे हुए अभी ने मीडिया को संबोधित करने का फैसला किया और सिस्टम ही इस तरह की चीजें कर रही है इसके ओर इशारा किया। इसके बाद दोस्तों वरुण का वीडियो सबूत मिल जाता और ये पता चलता है कि वरुण एक न्यूरोलॉजिक जो प्रोफेसर है और डॉक्टर है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कहानी और भी फ्लैशबैक में जाती है कि कैसे वरुण की पत्नी राधिका एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी से मर गई थी, जो कि टेलरू झील में मछली के यहाँ पे कारण हुई थी ये सब। फिर वह दोस्तों यहाँ पे अधिक लोगों को प्रभावित देखा गया और जो कुछ भी हो रहा था उस पर जो है शोध करने की योजना बनाया जाता है और इसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं सभी लोग। और ये वाणी के मछली जो फर्मों से दूषित था, इसके वजह से झील के बारे में झूठी खबरें देने के लिए क्रोधित अभी अपने पिता और स्वास्थ्य अधिकारी दोनों को ही लंबित कर देता है उनके पद से। आगे दोस्तों देखने को मिलता है कि अभी इस जानकारी के साथ वाणी के खेतों और झील पर सभी जो है निर्माण को हटाकर समझने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन वाणी अपना सफर जो है बताकर उसे समझाने की कोशिश करती है। इसके बाद दोस्तों वह समाज में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता है, क्योंकि पहले एक यहाँ पे समाजवादी की बेटी होने के नाते वह नहीं और वह उन्हीं की तरह जो हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे आपातकाल के दौरान उसने अपने पिता और पति को खो दिया। इसकी वजह से तब उन्हें समझ आया कि कोई कितना भी सिस्टम को बदलने की कोशिश कर ले वो नहीं बदल पाएगा। फिर उसने बाद में सिस्टम को यहाँ पे अडॉप्ट किया, जिसकी वजह से हालांकि वाणी की यानी कि कहकर मछुआरों का पक्ष लेती है कि वह सभी उसके खेतों में यहाँ पे ही धारक होंगे और उन्हें अभी के खिलाफ जो है कर देंगे। इसके बाद दोस्तों अभी दोनों पक्षों को वाणी के खिलाफ जाने की कोशिश में एक बैठक बुलवाता है, लेकिन बहुत हिंसक हो जाता है बैठक में। इससे कई लोगों की जान चली जाती है। इन तथ्यों के बारे में यूपीएससी बोर्ड अभी को निलंबित कर देता है और मामले की जांच शुरू करता है। बाद में अभी को पता चलता है कि वाणी एक केंद्रीय पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयार है, जो पहले जो है सरकार में थी, और विरोध करना स्टार्ट कर देती है वहाँ पे। दोस्तों अब इस मूवी के बारे में और भी अधिक जानने की कोशिश करें तो उन्हें तब जो यानी कि समझ आता है और केंद्रीय पार्टी द्वारा वाणी को अपनी गली में लाने के लिए उसे एक राजनीतिक जो है उपकरण के रूप में उपयोग करने के लिए उसको आगे भेजा जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे निराश होकर हालांकि वह इस वजह से उनके पिता भी वहाँ पे गांव वालों से उलझ जाते हैं कि जिससे उनकी पिटाई भी हो जाती है। अभी अपने पिता को बचा लेता है और फ्लैशबैक में पता चलता है कि दशरथ एक बहुत ही ईमानदार अधिकारी थे, लेकिन दोस्तों उनकी ईमानदारी की वजह से उनकी कई जगह तबादला हो गया था, जिससे उनकी पत्नी और बेटी की भी मौत हो गई थी, जो अंत तक उन्हें जो है अनुकूलन बनाती है और सिस्टम के लिए और जो भ्रष्ट हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अभी और दशरथ टीम बनाते हैं और सभी जो है उचित सबूतों के साथ यहाँ पे अदालत में अपील करने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जो है नरसिम्हा राज्य और केंद्रीय स्तर के राजनेताओं के बहुत जो है दबाव के बावजूद अभी वहां पे अभी की अंतिम जो है सुनवाई से प्रेरित होकर न्याय के लिए खड़े होते हैं। लेकिन दोस्तों वहां पे वाणी विजय कुमार और दशरथ को उनके पदों से हटा देते हैं और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने झील से सभी जो है निर्माण को एक बार में जो है ध्वस्त करने का भी आदेश दिया। इसी परिणाम के साथ जो है वाणी अस्पताल में भर्ती हो जाती है और अभी से कहती है कि वह कितनी भी कोशिश कर ले सिस्टम नहीं बदलेगा।
हालांकि कुछ दिनों बाद अभी ये पाता है कि जेल पर फिर से जो है निर्माण शुरू हो रहा है और वह ग्रामीणों से पूछते हैं कि उन्होंने ऐसा करने का फैसला क्यों किया, तो वो कहते हैं कि उनकी जाति ने 40 वर्षों तक जो है शासन किया लेकिन अब शासन करने की उनकी बारी है। लेकिन अभी को अंत तक मणि के पिता का समर्थन प्राप्त हो जाता है। हालांकि दोस्तों जल्द ही अभी खुद को मणि के पिता और उसके गिरोह धारा जंगल के किनारे पर पाते हैं और अंत तक उनके धारा मारे जाते हैं क्योंकि वह अपने ही लिए झील चाहते हैं, क्योंकि हत्या करने से पहले मणि के पिता अभी से उसे मारने और उसके विश्वासघात के लिए माफ़ी मांगते हैं। ये महसूस करता है कि सत्ता के खेल में एक नया शिकार बनने के लिए यहाँ पे शातिर चक्र में प्रवेश करके ये वाणी को आत्महत्या करने के लिए भी प्रेरित करता है, जिससे पता चलता है कि अभी के बारे में चिंतित थी और उसके काम की सराहना करती है और अंत में इस शातिर जो है राजनीतिक घेरे का शिकार बनकर थक गई। इसी घटना ने पूरे दो तेलुगु राज्यों को संकट में डाल दिया है और फिल्म ईमानदार अधिकारियों के साथ समाप्त होती है जो समाज के लिए किए गए कार्यों के लिए इस तरह से मारे गए थे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं रिपब्लिक फिल्म को जिसे 2021 में रिलीज किया गया था। आइए दोस्तों अब रिव्यू करते हैं इस फिल्म की कहानी को। दोस्तों इस फिल्म के अंदर अभिराम के चरित्र की समीक्षा करते हुए सुभाष के झा ने कहा था, हाल के दिनों में मैंने किसी भी भाषा में किसी भी फिल्म में देखा है कि वह सबसे सच्चे नायकों में से एक हैं। इसके बाद दोस्तों सिनेमा एक्सप्रेस के राम वेंकट श्रीकर ने इसे अच्छी तरह से तैयार किया गया फिल्म कहा और लिखा है कि गणतंत्र तथा भ्रष्टाचार के विचार पर एक स्मार्ट निर्माण फिल्म है और इसके नतीजे जो है निर्दोष लोगों के जीवन में कैसे आते ये देखने को जरूर मिलता है। उन्होंने कहा कि फिल्म के लेखन की मजबूत और वहीं पे सुसंगत है क्योंकि श्रीकर ने एलान के साथ जो है यहाँ पे पाकुला की है, जहाँ पे आपको बता दें पैरालैक्स व्यू जो है 1974 के साथ तुलना की थी, क्योंकि दोस्तों दोनों ही फिल्मों में संघर्ष एक जल निकाय को घेरता है और यहीं पे रहस्यमय तरीके से गायब भी हो जाते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के लिए अपनी जो है समीक्षा में हरिचरण पूरी पेदी ने कहा, तेज को यहाँ पे उपयुक्त रूप से कास्ट किया गया है और उन्हें चमकने और मजबूत जो है प्रदर्शन देने के लिए पर्याप्त गुंजाइश और स्क्रीन समय जरूर मिलती है। इसे दोस्तों तीव्र और राजनीतिक नाटक कहते हुए द टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता न्यायपति ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेट किया। न्यायपति ने अभिनय की सराहना करते हुए लिखा, तेज फिल्म में और चरित्र को अपना सब कुछ देते हैं लेकिन राममय कृष्णा जो है बदमाश के रूप में स्वादिष्ट है, क्योंकि एक महिला जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगी भले ही वह आपके भाग्य की योजना ही क्यों ना बनाती है। इसके बाद दोस्तों एक हिंदू आलोचक ने संगीता देवी डंडू ने इसे एक मनोरंजन फिल्म कहा था और राजनीतिक नाटक जो है कहा कि जिसकी वजह से यहाँ पे पलायनवादी मनोरंजन मार्ग नहीं बताया। उन्होंने कहा कि फिल्म की ताकत जो है इसके गृह किरदारों में छुपी हुई है। अभिनेता तेज राम्या और ऐश्वर्या के प्रदर्शन की सराहना करते हुए तेलंगाना टुडे के प्रकाश पिचेटी ने कहा है कि गणतंत्रता यहाँ पे निश्चित रूप से साई धर्म तेज के लिए एक पंख जोड़ते हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के लिए फिल्म की समीक्षा करते हुए गवेटा रानीत कुमार ने कहा था कि कट्टा ने रिपब्लिक को एक समर्थक जो है कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जो दर्शकों को यहाँ पे नागरिक जो है सक्रियता आलोचना और यहाँ पे लोकतंत्र की पवित्रता की रक्षा के लिए निरंतर जो है यानी कि सतर्कता से महत्व की याद दिलाई है। तो दोस्तों इस तरह के रिव्यू बड़े बड़े रिव्यूअर्स ने फिल्म के बारे में दिया है, कहानी को भी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है, सभी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग जरूर दिया है। अभिनेता पंजा अभिराम एक नौजवान है फिल्म में जो राजनीतिक व्यवस्था को अंदर से बाहर बदलना चाहते हैं, लेकिन जब वह हर मोड़ पर हार जाते हैं तो क्या वह अपने गृह नगर के भाग्य को बदल पाएंगे या नहीं, यही कहानी देखने को मिलता है। देवाकट्टा उन विषयों से निपटते हैं जो सामान्य ज्ञान में छिपी हुई है, क्योंकि फिर भी गणतंत्रता में दी गई है क्योंकि अखबारों की यहाँ पे सुर्खियाँ अक्सर जो है पड़ती है कि कैसे एक जो है इनकी बिहिसल और बुलो और या फिर जो है कई ईमानदार नौकरशाह के साथ जो है भाग्य एक चेतावनी संकेत की तरह जो है बिल्कुल अलग लगता है। दूसरों को उनके चुने हुए रास्ते पर चलने से रोका गया और फिर जो है जबकि लोकतंत्र के चारों जो है इनकी संतम एक दूसरे पर जो है इनकी दोषारोपण करते हुए दिखाया गया जो कि वास्तव में यहाँ गलती किसके, ये फिल्म में आपको जानने को जरूर मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों अभिनेता पंजा अभिराम साई धर्म तेज यानी कि नामक एक युवक है जिसका
अमेरिका में MIT में उज्जवल भविष्य है, लेकिन यहाँ पे इसके बजाय वह अपने गृह नगर जो है एलुरु में वापस रहने का विकल्प चुन लेता है। और दोस्तों यहाँ पे सिविल को कुछ भी जो है यानी कि लिखता है, लेकिन अपने पिता दशरथ यानी कि जगपति बाबू एक भ्रष्ट अधिकारी की तरह यहाँ तक कि एक जिला कलेक्टर के रूप में उनके शासन के लिए यहाँ पे बीज बोए जाने के बावजूद जो है मछली पकड़ने के उद्देश्य की एक यानी कि अतिक्रमिक जो है किया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे थेलेरु जल के साथ जो है निकाय सर्रे होते हैं, जहाँ पे किसान जो है जिनकी जमीन जो है यानी कि जलाशय के साथ यानी आस पास है, खुद को दोस्तों वो मार रहे हैं क्योंकि उन्हें कोई भी यानी कि भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मंत्री विशाखा वानी रामे कृष्णा एक व्यवसायी से राजनेता बनी हुई है जो यहाँ रेखाएं यानी कि खींचती है और उम्मीद करती है कि कोई उन्हें पार नहीं करेगा। जहाँ पे दोस्तों मायरा हैंसम ऐश्वर्या राजेश एक NRI है जो अपने लापता भाई की तलाश कर रही है, जहाँ पे शतरंज के इस खेल में जहाँ केवल एक ही विजेता बन सकता है, क्या ये होगा ये आपको आगे कहानी में पता चल जाएगा। अब दोस्तों फिल्म के यहाँ पे आरंभ में अभिराम कहते हैं कि नेनू भारतीय यूटू ने उनके अलावा कड्डू के साथ अपरचितु दीन कुंडू के साथ शंकर के प्रस्थित जो फिल्मों का संदर्भ देते हुए जहाँ यहाँ पे सतर्क मार्ग अपनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे उनका मानना है कि यहाँ पे बलात्कारियों को फर्जी जो है मुठभेड़ों में मार दिया जाना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों फिल्म के पहले भाग के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म का पहला भाग साई धर्म तेज को चीजों की मोटी में जाने से पहले अपने जो है डांस मूव से दिखाने का मौका जरूर मिलता है। लेकिन दोस्तों ये कोई ऐसी फिल्म नहीं है जहाँ पे आपको कोई यानी कि मनोरंजन प्रदान किया गया हो, लेकिन दोस्तों क्योंकि देवाकटा के पास बताने के लिए एक बड़ी कहानी तो जरूर है, लेकिन इसके अंत तक आप जो है सभी को आश्चर्य होता है कि क्या इस फिल्म में अभि और विशाखा वारिस सहित कोई भी यानी कि चरित्र जो दूसरे आधे हिस्से में सिर जो है झुकाने में सबसे ज्यादा खर्च करते हैं, यहाँ तक कि लंबे समय में भी जहाँ पे मायने रखा जाता है, तो ये एक रूपक फिल्म है जिसे वह तब जो है खोजा जाता है जब वह इसको जो है सिस्टम को बर्बाद करने वाली डेविल फिर से यानी कि मिल जाते हैं। डेविल फिश की कहानी कहा गया है क्योंकि फिल्म ये स्पष्ट करती है कि वीरता और सही इरादे भी आम तौर पर दिन बचाने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। गणतंत्र इसके दोषों के बिना नहीं है, जबकि जो फिल्म आपको यहाँ पे बांधे जरूर रखती है। गति उन लोगों के धैर्य की परीक्षा ले सकती है जहाँ पे जानना चाहते हैं कि ये सब कहा जा रहा है कि मनीष शर्मा के गाने और स्कोर ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जबकि देवाकट्टा बीज बोते हैं फिल्म में, क्योंकि प्रत्येक जो है व्यक्तित्व में अपने पिछले आघात और यहाँ पे अनुभवों का परिणाम जरूर दिखाते हैं, यहाँ पे गहरा करने के लिए पर्याप्त नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ तक कि एक महिला का यौन शोषण या फिर एक जो है किसान की दिन दहना देने वाले बिरहमी से हत्या कर दी गई थी, ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ये दिखाने के लिए कि लोग किस हद तक जो है जाएंगे, यहाँ पे सिनेमाई स्वतंत्रता कभी कभी गले में खराश की तरह जरूर खड़ी हो जाती है। एक बिंदु के बाद ऐसा लगता है कि निर्देशक एक बार में बहुत कुछ यानी कि ले लेता है। साई धर्म तेज के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म और चरित्र को अपना सब कुछ देते हैं। वह कुछ दृश्यों के दौरान जो है लड़खड़ाने पर फिल्म का वजन उठाने में कामयाब जरूर होते हैं, क्योंकि बहरहाल ये देखकर अच्छा लगता है कि अभिनेताओं को ऐसी पटकथाओं की ओर जो है रुख करना पड़ता है जो उनसे सामान्य और नेतृत्व के साथ अधिक की मांग जरूर करती है। रामे कृष्णन यहाँ पे खलनायक के रूप में स्वादिष्ट है, क्योंकि एक ऐसी महिला जो आपके भाग्य की योजना बनाते हुए भी आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगी, एक नाटकीय दृश्य जहाँ इन दोनों का आमना सामना होता है, वह दिखाया गया है कि वह जो करती है उसमें कितनी यानी कि निपुण है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे गंदी राजनीति को संभालने में कितना भोला और कितना कच्चा अभी है, क्योंकि सर ऐश्वर्या राजेश अपनी भूमिका में अच्छी है, लेकिन एक ऐसी फिल्म में जहाँ मुख्य भूमिका भी फिल्म को यानी कि एक्सप्लोर करने के लिए एक चरित्र से ज्यादा कुछ नहीं है। अंत में दोस्तों आपको बता दें छड़ी के छोटे सिरे को सौंप दिया गया, क्योंकि श्रीकांत अयंगर, राहुल रामकृष्णा और यहाँ पे जगपति बाबू भी अपनी भूमिकाओं में काफी शानदार चमकते हुए फिल्म में दिखाई दिए हैं। दोस्तों अगर आप हल्के फुल्के मनोरंजन की तलाश में हैं तो
फिर आप रिपब्लिक फिल्म को आसानी से देख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक गहन और दिल तोड़ने वाले अंत के साथ काफ़ी यानी कि यथार्थवादी और राजनीतिक जो है नाटक के मोड में है तो फिल्म देखें, क्योंकि फिल्म के अंदर आपको राजनीतिक कहानी को एक अच्छी तरह से बताया गया है। दोस्तों निश्चित रूप से पंजा अभिराम को प्रयोग के तौर पर अतिरिक्त जो है शक्ति प्रदान की जाती है, क्योंकि उसके जवाबों में बाद में जो है वरिष्ठ सदस्य सिविल सेवा और इंटरव्यू में उसका सशक्त कार्य लेते हैं। और दोस्तों उन्हें जो है राजनीतिक शक्तियों द्वारा यहाँ पे अंधाधुंध रूप से स्थानांतरित कर दिए जाने से भी बचाया जाता है। ये विशाखा वानी रामकृष्णा के साथ होता है, क्योंकि एक तीव्र संघर्ष के लिए मंच तैयार किया गया है जिसके अंगूठे के नीचे सब कुछ होता है। इन दोनों के आमने सामने आने से पहले देवाकटना हमें जो है दरारें दिखाते हैं, क्योंकि पुलिस सरकारी अधिकारी और यहाँ पे सिविल जो है सेवकों ने स्वीकार किया है कि सिस्टम जो है गहराई से सड़ चुकी है और मानते हैं कि कुछ भी नहीं बदला जा सकता है। जहाँ पे नायक को रक्षक के रूप में पेश करने के लिए कृषि और यहाँ पे पर्यावरण के मुद्दों का लाभ उठाने वाली फिल्मों में लोगों को असहाय जो है कि पीड़ितों के रूप में जरूर दिखाया गया है। इसके साथ दोस्तों गणतंत्र उन्हें जो है आसानी से जाने नहीं देते हैं, ये पूछते हैं कि क्या हम यहाँ पे लोकतंत्र में लोगों के रूप में वास्तव में परिवर्तन चाहते हैं, और इसके लिए जाति और अन्य जो है विभागों से जो है परे देख सकते हैं। दोस्तों अब फिल्म की ताकत इस बात में निहित है कैसे जो है ये लोगों को काले और सफेद के रूप में जो है चित्रित नहीं करता है। ये दर्शक जो है जगपति बाबू के चरित्र चित्रण के काम आते हैं, जहाँ पे इस तरह के तरीकों का इस्तेमाल जो है विशाखा वानी को उसके अपराध से मुक्त किए बिना यहाँ पे मानवीय बनाने के लिए भी किया जाता है। प्रोग्राम में आपको बता दें भाग जो है अभिराम को एक आदर्शवादी के रूप में स्थापित करते हैं, और एक यहाँ पे कलेक्टर द्वारा चुनौती दिए जाने के बाद अगर वह सिस्टम में शामिल हो सकते हैं जहाँ पे इसे जो है साफ कर सकते हैं, तो सिविल सेवाओं को लेने के लिए यहाँ पे MIT के सपनों को छोड़ दिया जाता है। कहानी दोस्तों यहाँ पे एलुरु और इसके जो आस पास के इलाकों में सेट किया गया है, जहाँ पे दशकों से जल निकाय का दोहन किया जाता है, जिससे जो है भूमि खेती के लिए यहाँ पे अनुपयुक्त होती है और दूसरी जो है मछलियाँ मानव जीवन के लिए एक खतरा बनी हुई है। तो दोस्तों यही कहानी आपको रिपब्लिक फिल्म में देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आप लोग रिपब्लिक फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको G5 पर भी देखने को मिल जाता है, लेकिन फैंस आपको वहाँ पे सब्सक्रिप्शन जरूर लेना होगा। आप लोगों को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको सिर्फ मूवी रिव्यू, मूवी की बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही देखने को मिलता है। और दोस्तों मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता, ये तो आप लोगों को पता है। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हो तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से विस्तार में बात कर लेते हैं रिपब्लिक फिल्म के बारे में। बता दें दोस्तों ये फिल्म साल 2021 में रिलीज हुई भारतीय तेलुगु भाषा की राजनीतिक ड्रामा फिल्म है। इसे देवाकट्टा द्वारा लिखा गया है और निर्देशित किया गया है, और दोस्तों इस फिल्म को JB एंटरटेनमेंट और जी स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म में साईतेज, ऐश्वर्या राजेश और रामकृष्णा इस फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म में जगपति बाबू भी आपको देखने को मिल जाते हैं। फिल्म की कथानक के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म में तेज का अनुसरण किया गया है, जो एक IAS अधिकारी है जो राजनीतिक क्या व्यवस्था और प्रशासनिक के साथ जो है मशीनरी में भ्रष्टाचार से निपटने को दिखाया गया फिल्म के अंदर। इसी के साथ दोस्तों रिपब्लिक फिल्म की फोटोग्राफी के बारे में हम बात करें तो 2020 के मध्य में शुरू हुई और फरवरी 2021 में COVID-19 महामारी द्वारा संक्षिप्त रूप से लंबित किए जाने के बाद समाप्त हुआ था। दोस्तों मनीष शर्मा ने फिल्म का निर्माण किया, जबकि छायांकन और संपादन क्रमोस एम सुकुमार और परवीन केएल द्वारा किया गया है। रिपब्लिक फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा के लिए 1 अक्टूबर 2021 को नाटकीय रूप से इस फिल्म को रिलीज किया गया था। रिलीज होने के बाद फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स भी देखने को मिला है। साथ ही साथ दोस्तों बता दें फिल्म को 2020 की शुरुआत में लॉन्च किया गया था और फिल्मांकन 2020 के मध्य में शुरू हुआ था, लेकिन जैसे कि आपको पता है इंडिया में COVID-19 महामारी के कारण फिल्मांकन उस वक्त रोक दिया गया था, और दोस्तों बाद में दिसंबर 2020 में फिर से शुरू किया गया, जहां पे निवेदिता पेदुराज को पहले फिल्म के लिए चुना गया था, जिसे बाद में ऐश्वर्या राजेश ने बदल दिया था, उनकी जगह ले ली थी। इसके बाद दोस्तों फिल्म के शीर्षक की घोषणा 25 जनवरी 2021 को की गई थी। फिल्म को 64 दिनों के लिए शूट किया गया था और फरवरी 2021 में शूटिंग पूरी भी कर ली गई थी।
और दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें, इस पूरी फिल्म को बनाने में 64 दिनों के लिए शूट किया गया था और फाइनली फरवरी 2021 में शूटिंग पूरी की गई थी। तेज ने जून 2021 में अपने किरदार के लिए डबिंग शुरू भी कर दिया था। साल 2021 की शुरुआत में ही निर्माता ने घोषणा किया था कि फिल्म 4 जून 2021 को रिलीज होगी, लेकिन बाद में दोस्तों फिर से भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण फिल्म के रिलीज को स्थगित करना पड़ा था। उदाहरण के लिए दोस्तों अगस्त 2021 में फिल्म के रिलीज की तारीख रखी गई, लेकिन दोस्तों फाइनली 1 अक्टूबर 2021 को इस मूवी को फिर से रिलीज किया गया था। फाइनली दोस्तों फिल्म की कहानी के बारे में अगर हम बात कर ले तो साल 1970 में टेलरु झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील में से एक मानी जाती है फिल्म में, और वहीं पे दोस्तों मछली पकड़ने वाले खेती के लिए एक महत्वपूर्ण झील भी ये बना हुआ है। लेकिन दोस्तों 40 से अधिक वर्षों के लिए झील मुख्य रूप से विशाखा वानी के स्वामित्व वाले मछली पकड़ने के खेतों पर बनाई गई है। इसके बाद देखने को मिलता है कि उसी के साथ ही साथ जो है झील को प्रदूषित लोग कर रहे हैं। कहानी एलरु के एक चतुर और दुष्ट युवक पंजा अभिराम की ओर झुक जाता है, मुड़ जाता है, जो अपने पिता पंजा दशरथ के एक भ्रष्ट सरकारी अधिकारी होने के कारण अपने ही परिवार के भीतर भ्रष्टाचार का अनुभव करने के बाद समाज को सच्चा और ईमानदार बनाना वो पसंद करते हैं, जिसके कारण दोस्तों वह अपने पिता को नापसंद करते हैं और विभिन्न परीक्षाओं में अपने उच्च स्कोरिंग के साथ उन्हें MIT में सीट मिल जाती है। हालांकि दोस्तों उनके पिता के एक चुनावी जो है धांधली में भाग लेने के कारण उन्होंने इसे बदलने के लिए राजनीतिक व्यवस्था में और अधिक जो है गोता लगाने का फैसला कर लिया। इसके बाद दोस्तों अभी भी एक साथ जो है मायरा उनके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि मायरा हेंसन से मिलती है जो एक NRI इंसान है जो अपने लापता भाई डॉक्टर वरुण हेंसन की तलाश करने की कोशिश कर रही है, जिसे दोस्तों यहाँ पे गुमनाम के एक स्थानीय गुंडे के साथ बातचीत करने के लिए जाना जाता है। इस बीच दोस्तों एक नई पार्टी की स्थापना होता है और चुनाव में क्लीन स्वीप करते हुए वानी ने यहाँ पे किंग मेकर की छवि हासिल करते हुए अपने बेटे इंद्र कुरु के साथ विष्णु वरदान को आंध्र प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बना दिया। अब दोस्तों बाद में हमें देखने को मिलता है कि अभी एक ऑटो चालक मनी और वानी के खिलाफ न्याय के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे उसके पिता से मिलने जाते हैं। इस बीच अभी और मायरा को ये पता चलता है कि वरुण मृत पाया जाता है, लेकिन उन्हें पुलिस से कोई भी समर्थन नहीं मिलती है, इससे दोस्तों ये एक मृत अंत होने लगता है। इसके बाद दोस्तों UPSC परीक्षा उसी वक्त आ जाता है जहाँ पे उत्तीर्ण करने के बाद अभी अपने सशस्त्र कार के लिए जाता है, लेकिन दोस्तों ट्रेन में जहाँ पे PTSD प्रकरण के बाद वह मनी को गुना धारा मारते हुए देख लेता है जो वानी के आदेशों के अधीन होता है। लेकिन अभी ये सब देखने के बाद अपने इंटरव्यू के लिए जाता है, लेकिन अपने यहाँ पे मानसिकता के कारण जो है चयनित नहीं हो पाता है। हालांकि दोस्तों कुछ दिनों बाद हुआ परीक्षा में टॉपर के रूप में समाप्त होता है, जिसे स्वयं सहित सभी ने माफ कर दिया। अभी को तब ये पता चलता है कि उसे UPSC बोरधारा जिले के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में लागू करने के लिए एक प्रयोग के रूप में चुना गया था और राज्य के किसी भी राजनेता द्वारा उसमें जो हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, ये भी आगे देखने को मिलता है। अब दोस्तों फिल्म के अंत में हमें देखने को मिलता है अभी के अपना काम शुरू करने के बाद वह गुना को खोजने की कोशिश करने लगता है। इसके खिलाफ जो है एनकाउंटर का आदेश दिया गया है और वह उसे मारने में कामयाब हो जाता है। हालांकि दोस्तों उसे जो है उसे उस स्थान पर मायरा को बेहोश पाते हैं, जहाँ पे अभी उसे अस्पताल लेकर जाते हैं और ये पता लगाने के लिए कि उसके साथ क्रूरता से बलात्कार किया गया है। और दोस्तों बाद में पता चलता है और उनके शोध के कारण गुना धारा मारे जाने के करीब है। फिर दोस्तों वह बच्चों के बारे में पता लगाने के लिए यहाँ पे पूछताछ किया जाता है कि वह मर गए हैं या नहीं और अभी तक नहीं मिले हैं। लेकिन दोस्तों गुस्से से भरे हुए अभी ने मीडिया को संबोधित करने का फैसला किया और सिस्टम ही इस तरह की चीजें कर रही है इसके ओर इशारा किया। इसके बाद दोस्तों वरुण का वीडियो सबूत मिल जाता और ये पता चलता है कि वरुण एक न्यूरोलॉजिक जो प्रोफेसर है और डॉक्टर है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कहानी और भी फ्लैशबैक में जाती है कि कैसे वरुण की पत्नी राधिका एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी से मर गई थी, जो कि टेलरु झील में मछली के यहाँ पे कारण हुई थी ये सब। फिर वह दोस्तों यहाँ पे अधिक लोगों को प्रभावित देखा गया और जो कुछ भी हो रहा था उस पर जो है शोध करने की योजना
बनाया जाता है और इसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं सभी लोग। और ये वाणी के मतलब जो फॉर्म से दूषित था, इसके वजह से झील के बारे में झूठी खबरें देने के लिए क्रोधित अभी अपने पिता और स्वास्थ्य अधिकारी दोनों को ही लंबित कर देता उनके पद से। आगे दोस्तों देखने को मिलता है कि अभी इस जानकारी के साथ वाणी के खेतों और झील पर सभी जो है निर्माण को हटाकर समझने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन वाणी अपना सफर जो है बताकर उसे समझाने की कोशिश करती है। इसके बाद दोस्तों वह समाज में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता है, क्योंकि पहले एक यहाँ पे समाजवादी की बेटी होने के नाते वह नहीं और वह उन्हीं की तरह जो हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे आपातकाल के दौरान उसने अपने पिता और पति को खो दिया। इसकी वजह से तब उन्हें समझ आया कि कोई कितना भी सिस्टम को बदलने की कोशिश कर ले वो नहीं बदल पाएगा। फिर उसने बाद में सिस्टम को यहाँ पे अडॉप्ट किया, जिसकी वजह से हालांकि वाणी की यानी कि कहकर मछुआरों का पक्ष लेती है कि वह सभी उसके खेतों में यहाँ पे ही धारक होंगे और उन्हें अभी के खिलाफ जो है कर देंगे। इसके बाद दोस्तों अभी दोनों पक्षों को वाणी के खिलाफ जाने की कोशिश में एक बैठक बुलवाता है, लेकिन बहुत हिंसक हो जाता है बैठक में, इससे कई लोगों की जान चली जाती है। इन तथ्यों के बारे में यूपीएससी बोर्ड अभी को निलंबित कर देता है और मामले की जांच शुरू करता है। बाद में अभी को पता चलता है कि वाणी एक केंद्रीय पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयार है, जो पहले जो है सरकार में थी और विरोध करना स्टार्ट कर देती है वहां पे। दोस्तों अब इस मूवी के बारे में और भी अधिक जानने की कोशिश करें तो उन्हें तब जो यानी कि समझ आता है और केंद्रीय पार्टी द्वारा वाणी को अपनी गली में लाने के लिए उसे एक राजनीतिक जो है उपकरण के रूप में उपयोग करने के लिए उसको आगे भेजा जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे निराश होकर हालांकि वह इस वजह से उनके पिता भी वहाँ पे गांव वालों से उलझ जाते हैं कि जिससे उनकी पिटाई भी हो जाती है। अभी अपने पिता को बचा लेता है और फ्लैशबैक में पता चलता है कि दशरथ एक बहुत ही ईमानदार अधिकारी थे, लेकिन दोस्तों उनकी ईमानदारी की वजह से उनकी कई जगह तबादला हो गया था, जिससे उनकी पत्नी और बेटी की भी मौत हो गई थी, जो अंत तक उन्हें जो है अनुकूलन बनाती है और सिस्टम के लिए और जो भ्रष्ट हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अभी और दशरथ टीम बनाते हैं और सभी जो है उचित सबूतों के साथ यहाँ पे अदालत में अपील करने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जो है नरसिम्हा राज्य और केंद्रीय स्तर के राजनेताओं के बहुत जो है दबाव के बावजूद अभी वहाँ पे अभी की अंतिम जो है सुनवाई से प्रेरित होकर न्याय के लिए खड़े होते हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ पे वाणी विजय कुमार और दशरथ को उनके पदों से हटा देते हैं और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने झील से सभी जो है निर्माण को एक बार में जो है ध्वस्त करने का भी आदेश दिया। इसी परिणाम के साथ जो है वाणी अस्पताल में भर्ती हो जाती है और अभी से कहती है कि वह कितनी भी कोशिश कर ले सिस्टम नहीं बदलेगा। हालांकि कुछ दिनों बाद अभी ये पाता है कि झील पर फिर से जो है निर्माण शुरू हो रहा है और वह ग्रामीणों से पूछते हैं कि उन्होंने ऐसा करने का फैसला क्यों किया, तो वो कहते हैं कि उनकी जाति ने 40 वर्षों तक जो है शासन किया, लेकिन अब शासन करने की उनकी बारी है। लेकिन अभी को अंत तक मणि के पिता का समर्थन प्राप्त हो जाता है। हालांकि दोस्तों जल्द ही अभी खुद को मणि के पिता और उसके गिरोधारा जंगल के किनारे पर पाते हैं और अंत तक उनके धारा मारे जाते हैं, क्योंकि वह अपने ही लिए झील चाहते हैं, क्योंकि हत्या करने से पहले मणि के पिता अभी से उसे मारने और उसके विश्वासघात के लिए माफी मांगते हैं। ये महसूस करता है कि सत्ता के खेल में एक नया शिकार बनने के लिए यहाँ पे शातिर चक्र में प्रवेश करके ये वाणी को आत्महत्या करने के लिए भी प्रेरित करता है, जिससे पता चलता है कि अभी के बारे में चिंतित थी और उसके काम की सराहना करती है। और अंत में इस शातिर जो है राजनीतिक घेरे का शिकार बनकर थक गई। इसी घटना ने पूरे दो तेलुगु राज्यों को संकट में डाल दिया है और फिल्म ईमानदार अधिकारियों के साथ समाप्त होती है, जो समाज के लिए किए गए कार्यों के लिए इस तरह से मारे गए थे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं रिपब्लिक फिल्म को, जिसे 2021 में रिलीज किया गया था। आइए दोस्तों अब रिव्यू करते हैं इस फिल्म की कहानी को। दोस्तों इस फिल्म के अंदर अभिराम के चरित्र की समीक्षा करते हुए सुभाष के झा ने कहा था, हाल के दिनों में मैंने किसी भी भाषा में किसी भी फिल्म में देखा है कि वह सबसे सच्चे नायकों में से एक है।
इसके बाद दोस्तों सिनेमा एक्सप्रेस के राम वेंकट श्रीकर ने इसे अच्छी तरह से तैयार किया गया फिल्म कहा और लिखा है कि गणतंत्र तथा भ्रष्टाचार के विचार पर एक स्मार्ट निर्माण फिल्म है और इसके नतीजे जो है निर्दोष लोगों के जीवन में कैसे आते ये देखने को जरूर मिलता है। उन्होंने कहा कि फिल्म के लेखन की मजबूत और वहीं पर सुसंगत है क्योंकि श्रीकर ने ऐलान के साथ जो है यहाँ पे पाकुला की है, जहाँ पे आपको बता दें पैरा लेक्स व्यू जो है 1974 के साथ तुलना की थी, क्योंकि दोस्तों दोनों ही फिल्मों में संघर्ष एक जल निकाय को घेरता है और यहीं पे रहस्यमय तरीके से गायब भी हो जाते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के लिए अपनी जो है समीक्षा में हरिचरण पूरी पेरी ने कहा, तेज को यहाँ पे उपयुक्त रूप से कास्ट किया गया है और उन्हें चमकने और मजबूत जो है प्रदर्शन देने के लिए पर्याप्त गुंजाइश और स्क्रीन समय जरूर मिलती है। इसे दोस्तों तीव्र और राजनीतिक नाटक कहते हुए द टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता न्यायपति ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेट किया। न्यायपति ने अभिनय की सराहना करते हुए लिखा, तेज फिल्म में और चरित्र को अपना सब कुछ देते हैं, लेकिन राममय कृष्णा जो है बदमाश के रूप में स्वादिष्ट है क्योंकि एक महिला जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगी भले ही वह आपके भाग्य की योजना ही क्यों ना बनाती है। इसके बाद दोस्तों एक हिंदू आलोचक ने संगीता देवी डंडू ने इसे एक मनोरंजन फिल्म कहा था और राजनीतिक नाटक जो है कहा कि जिसकी वजह से यहाँ पे पलायनवादी मनोरंजन मार्ग नहीं बताया। उन्होंने कहा कि फिल्म की ताकत जो है इसके ग्रे किरदारों में छुपी हुई है। अभिनेता तेज राम्या और ऐश्वर्या के प्रदर्शन की सराहना करते हुए तेलंगाना टुडे के प्रकाश पिचेटी ने कहा है कि गणतंत्रता यहाँ पे निश्चित रूप से साई धर्म तेज के लिए एक पंख जोड़ते हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के लिए फिल्म की समीक्षा करते हुए गवेटा रानीत कुमार ने कहा था कि कट्टा ने रिपब्लिक को एक समर्थक जो है कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जो दर्शकों को यहां पे नागरिक जो है सक्रियता आलोचना और यहां पे लोकतंत्र की पवित्रता की रक्षा के लिए निरंतर जो है यानी कि सतर्कता से महत्व की याद दिलाई है। तो दोस्तों इस तरह के रिव्यू बड़े बड़े रिव्यूअर्स ने फिल्म के बारे में दिया है, कहानी को भी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है, सभी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग जरूर दिया है। अभिनेता पंजा अभिराम एक नौजवान फिल्म में जो राजनीतिक व्यवस्था को अंदर से बाहर बदलना चाहते हैं लेकिन जब वो हर मोड़ पर हार जाते हैं तो क्या वो अपने गृह नगर के भाग्य को बदल पाएंगे या नहीं, यही कहानी देखने को मिलता है। देवकट्टा उन विषयों से निपटते हैं जो सामान्य ज्ञान में छिपी हुई है क्योंकि फिर भी गणतंत्रता में दी गई है क्योंकि अखबारों की यहाँ पे सुर्खियाँ अक्सर जो है पड़ती है कि कैसे एक जो है यानी कि बिहिसल और बुलो और या फिर जो है कई ईमानदार नौकरशाह के साथ जो है भाग्य एक चेतावनी संकेत की तरह जो है बिल्कुल अलग लगता है। दूसरों को उनके चुने हुए रास्ते पर चलने से रोका गया और फिर जो है जबकि लोकतंत्र के चारों जो है इनकी संतम एक दूसरे पर जो है इनकी दोषारोपण करते हुए दिखाया गया जो कि वास्तव में यहाँ गलती इसके ये फिल्म में आपको जानने को जरूर मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों अभिनेता पंजा अभिराम साई धर्म तेज यानी कि नामक एक युवक है जिसका अमेरिका में MIT में उज्ज्वल भविष्य है लेकिन यहाँ पे इसके बजाय वह अपने गृह नगर जो है एलुरु में वापस रहने का विकल्प चुन लेता है। और दोस्तों यहाँ पे सिविल को कुछ भी जो है यानी कि लिखता है लेकिन अपने पिता दशरथ यानी कि जगपति बाबू एक भ्रष्ट अधिकारी की तरह यहाँ तक कि एक जिला कलेक्टर के रूप में उनके शासन के लिए यहाँ पे बीज बोए जाने के बावजूद जो है मछली पकड़ने के उद्देश्य की एक यानी कि अतिक्रमिक जो है किया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे थेलेरु जल के साथ जो है निकाय सर्रे होते हैं जहाँ पे किसान जो है जिनकी जमीन जो है यानी कि जलाशय के साथ यानी आस पास है खुद को दोस्तों वो मार रहे हैं क्योंकि उन्हें कोई भी यानी कि भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मंत्री विशाखा वानी राम्य कृष्णा एक व्यवसायी से राजनेता बनी हुई है जो यहाँ रेखाएं यानी कि खींचती है और उम्मीद करती है कि कोई उन्हें पार नहीं करेगा। जहाँ पे दोस्तों मायरा हैंसम ऐश्वर्या राजेश एक NRI है जो अपने लापता भाई की तलाश कर रही है जहाँ पे शतरंज के इस खेल में जहाँ केवल एक ही विजेता बन सकता है क्या ये होगा ये आपको आगे कहानी में पता चल जाएगा। अब दोस्तों फिल्म के यहाँ पे आरंभ में
अभिराम कहते हैं कि नेनू भारतीय यूटू ने उनके अलावा कड्डू के साथ अपर चितू दीन कुंडू के साथ शंकर की प्रस्थित जो फिल्मों का संदर्भ देते हुए जहां यहां पे सतर्क मार्ग अपनाया गया है। तो दोस्तों यहां पे उनका मानना है कि यहां पे अब बलात्कारियों को फर्जी जो है मुठभेड़ों में मार दिया जाना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों फिल्म के पहले भाग के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म का पहला भाग साई धर्म तेज को चीजों की मोटी में जाने से पहले अपने जो है डांस मूव से दिखाने का मौका जरूर मिलता है। लेकिन दोस्तों ये कोई ऐसी फिल्म नहीं है जहां पे आपको कोई यानी कि मनोरंजन प्रदान किया गया हो। लेकिन दोस्तों क्योंकि देवा कट्टा के पास बताने के लिए एक बड़ी कहानी तो जरूर है, लेकिन इसके अंत तक आप जो है सभी को आश्चर्य होता है कि क्या इस फिल्म में अभी और विशाखा वारिस सहित कोई भी इनकी चरित्र जो दूसरे आधे हिस्से में सिर जो है झुकाने में सबसे ज्यादा खर्च करते हैं, यहाँ तक कि लंबे समय में भी जहाँ पे मायने रखा जाता है तो ये एक रूपक फिल्म है जिसे वह तब जो है इनकी खोजा जाता है जब वह इसको जो इनकी सिस्टम को बर्बाद करने वाली डेविल फिर से यानी कि मिल जाते हैं। डेविल फिश की कहानी कहा गया है क्योंकि फिल्म ये स्पष्ट करती है कि वीरता और सही इरादे भी आम तौर पर दिन बचाने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। गणतंत्र इसके दोषों के बिना नहीं है, जबकि जो फिल्म आपको यहाँ पे बांधे जरूर रखती है। गति उन लोगों के धैर्य की परीक्षा ले सकती है जहाँ पे जानना चाहते हैं कि ये सब कहा जा रहा है कि मनीष शर्मा के गाने और स्कोर ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जबकि देवा कट्टा बीज बोते हैं फिल्म में क्योंकि प्रत्येक जो है कि व्यक्तित्व में अपने पिछले आघात और यहाँ पे अनुभवों का परिणाम जरूर दिखाते हैं। यहाँ पे गहरा करने के लिए पर्याप्त नहीं किया गया है क्योंकि यहाँ तक कि एक महिला का यौन शोषण या फिर एक जो है किसान की दिन दहला देने वाले बिरहमी से हत्या कर दी गई थी, ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ये दिखाने के लिए कि लोग किस हद तक जो है जाएंगे, यहाँ पे सिनेमाई स्वतंत्रता कभी कभी गले में खराश की तरह जरूर खड़ी हो जाती है। एक बिंदु के बाद ऐसा लगता है कि निर्देशक एक बार में बहुत कुछ यानी कि ले लेता है। साई धर्म तेज के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म और चरित्र को अपना सब कुछ देते हैं। वह कुछ दृश्यों के दौरान जो है लड़खड़ाने पर फिल्म का वजन उठाने में कामयाब जरूर होते हैं क्योंकि बहरहाल ये देखकर अच्छा लगता है कि अभिनेताओं को ऐसी पटकथाओं की ओर जो है रुख करना पड़ता है जो उनसे सामान्य और नेतृत्व के साथ आदि की मांग जरूर करती है। रम्य कृष्णन यहाँ पे खलनायक के रूप में स्वादिष्ट है क्योंकि एक ऐसी महिला जो आपके भाग्य की योजना बनाते हुए भी आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगी, एक नाटकीय दृश्य जहाँ इन दोनों का आमना सामना होता है वह दिखाया गया है कि वह जो करती है उसमें कितनी यानी कि निपुण है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे गंदी राजनीति को संभालने में कितना भोला और कितना कच्चा अभी है क्योंकि सर ऐश्वर्या राजेश अपनी भूमिका में अच्छी है, लेकिन एक ऐसी फिल्म में जहाँ मुख्य भूमिका भी फिल्म को यानी कि एक्सप्लोर करने के लिए एक चरित्र से ज्यादा कुछ नहीं है। अंत में दोस्तों आपको बता दें छड़ी के छोटे सिरे को सौंप दिया गया क्योंकि श्रीकांत अयंगर, राहुल रामकृष्ण और यहाँ पे जगपति बाबू भी अपनी भूमिकाओं में काफी शानदार चमकते हुए फिल्म में दिखाई दिए हैं। दोस्तों अगर आप हल्के फुल्के मनोरंजन की तलाश में हैं तो फिर आप रिपब्लिक फिल्म को आसानी से देख सकते हैं, लेकिन अगर आप एक गहन और दिल तोड़ने वाले अंत के साथ काफ़ी यानी कि यथार्थवादी और राजनीतिक जो है नाटक के मोड में है तो फिल्म देखें क्योंकि फिल्म के अंदर आपको राजनीतिक कहानी को एक अच्छी तरह से बताया गया है। दोस्तों निश्चित रूप से पंजा अभिराम को प्रयोग के तौर पर अतिरिक्त जो है शक्ति प्रदान की जाती है क्योंकि उसके जवाबों में बाद में जो है वरिष्ठ सदस्य सिविल सेवा और इंटरव्यू में उसका साक्षात्कार लेते हैं और दोस्तों उन्हें जो है राजनीतिक शक्तियों द्वारा यहाँ पे अंधाधुंध रूप से स्थानांतरित कर दिए जाने से भी बचाया जाता है। ये विशाखा वानी रम्य कृष्णा के साथ होता है क्योंकि एक तीव्र संघर्ष के लिए मंच तैयार किया गया है जिसके अंगूठे के नीचे सब कुछ होता है। इन दोनों के आमने सामने आने से पहले देवा कट्टा हमें जो है दरारे दिखाते हैं क्योंकि पुलिस सरकारी अधिकारी और यहाँ पे सिविल जो है सेवकों ने स्वीकार किया है कि सिस्टम जो है गहराई से सड़ चुकी है और मानते हैं कि कुछ भी नहीं बदला जा सकता है। जहाँ पे नायक को रक्षक के रूप में पेश करने के लिए कृषि और यहाँ पे पर्यावरण के मुद्दों का लाभ उठाने वाली फिल्मों में लोगों को असहाय जो है यानी कि पीड़ितों के रूप में जरूर दिखाया गया है। इसके साथ दोस्तों गणतंत्र उन्हें जो है आसानी से जाने नहीं देते हैं, ये पूछते हैं कि क्या हम
यहाँ पे लोकतंत्र में लोगों के रूप में वास्तव में परिवर्तन चाहते हैं और इसके लिए जाति और अन्य जो है विभागों से जो है परे देख सकते हैं। दोस्तों अब फिल्म की ताकत इस बात में निहित है कैसे जो है ये लोगों को काले और सफेद के रूप में जो है चित्रित नहीं करता है। ये दर्शक जो है जगपति बाबू के चरित्र चित्रण के काम आते हैं जहाँ पे इस तरह के तरीकों का इस्तेमाल जो है विशाखा वाणी को उसके अपराध से मुक्त किए बिना यहाँ पे मानवीय बनाने के लिए भी किया जाता है। प्रोग्राम में आपको बता दें भाग जो है अभिराम को एक आदर्शवादी के रूप में स्थापित करते हैं और एक यहाँ पे कलेक्टर द्वारा चुनौती दिए जाने के बाद अगर वह सिस्टम में शामिल हो सकते हैं जहाँ पे इसे जो है साफ कर सकते हैं तो सिविल सेवाओं को लेने के लिए यहाँ पे MIT के सपनों को छोड़ दिया जाता है। कहानी दोस्तों यहाँ पे एलुरु और इसके जो आस पास के इलाकों में सेट किया गया है जहाँ पे दर्शकों से जल निकाय का दोहन किया जाता है जिससे जो है भूमि खेती के लिए यहाँ पे अनुपयुक्त होती है और दूसरी यहाँ पे दूसरी जो है मछलियाँ मानव जीवन के लिए एक खतरा बनी हुई है। तो दोस्तों यही कहानी आपको रिपब्लिक फिल्म में देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आप लोग रिपब्लिक फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको G5 पर भी देखने को मिल जाता है, लेकिन फैंस आपको वहाँ पे सब्सक्रिप्शन जरूर लेना होगा। आप लोगों को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको सिर्फ मूवी रिव्यू, मूवी की बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही देखने को मिलता है। और दोस्तों मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता, ये तो आप लोगों को पता है। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हो तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए फैंस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से विस्तार में बात कर लेते हैं रिपब्लिक फिल्म के बारे में। बता दें दोस्तों ये फिल्म साल 2021 में रिलीज हुई भारतीय तेलुगु भाषा की राजनीतिक ड्रामा फिल्म है। इसे देवाकट्टा द्वारा लिखा गया है और निर्देशित किया गया है और दोस्तों इस फिल्म को JB एंटरटेनमेंट और जी स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म में साई तेज, ऐश्वर्या राजेश और रामय कृष्णा इस फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म में जगपति बाबू भी आपको देखने को मिल जाते हैं। फिल्म की कथानक के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म में तेज का अनुसरण किया गया है जो एक IAS अधिकारी है जो राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासनिक के साथ जो है मशीनरी में भ्रष्टाचार से निपटने को दिखाया गया फिल्म के अंदर। इसी के साथ दोस्तों रिपब्लिक फिल्म की फोटोग्राफी के बारे में हम बात करें तो 2020 के मध्य में शुरू हुई और फरवरी 2021 में COVID-19 महामारी द्वारा संक्षिप्त रूप से लंबित किए जाने के बाद समाप्त हुआ था। दोस्तों मनीष शर्मा ने फिल्म का निर्माण किया जबकि छायांकन और संपादन क्रमोस एम सुकुमार और परवीन केएल द्वारा किया गया है। रिपब्लिक फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा के लिए 1 अक्टूबर 2021 को नाटकीय रूप से इस फिल्म को रिलीज किया गया था। रिलीज होने के बाद फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स भी देखने को मिला है। साथ ही साथ दोस्तों बता दें फिल्म को 2020 की शुरुआत में लॉन्च किया गया था और फिल्मांकन 2020 के मध्य में शुरू हुआ था, लेकिन जैसे कि आपको पता है इंडिया में COVID-19 महामारी के कारण फिल्मांकन उस वक्त रोक दिया गया था और दोस्तों बाद में दिसंबर 2020 में फिर से शुरू किया गया जहां पे निवेदा पेदुराज को पहले फिल्म के लिए चुना गया था जिसे बाद में ऐश्वर्या राजेश ने बदल दिया था, उनकी जगह ले ली थी। इसके बाद दोस्तों फिल्म के शीर्षक की घोषणा 25 जनवरी 2021 को की गई थी। फिल्म को 64 दिनों के लिए शूट किया गया था और फरवरी 2021 में शूटिंग पूरी भी कर ली गई थी। और दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें इस पूरी फिल्म को बनाने में 64 दिनों के लिए शूट किया गया था और फाइनली फरवरी 2021 में शूटिंग पूरी की गई थी। तेज ने जून 2021 में अपने किरदार के लिए डबिंग शुरू भी कर दिया था। साल 2021 की शुरुआत में ही निर्माता ने घोषणा किया था कि फिल्म 4 जून 2021 को रिलीज होगी, लेकिन बाद में दोस्तों फिर से भारत में COVID-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण फिल्म के रिलीज को स्थगित करना पड़ा था। उदाहरण के लिए दोस्तों अगस्त 2021 में फिल्म के रिलीज की तारीख रखी गई, लेकिन दोस्तों फाइनली 1 अक्टूबर 2021 को इस मूवी को फिर से रिलीज किया गया था फाइनली। दोस्तों फिल्म की कहानी के बारे में अगर हम बात कर ले तो साल 1970 में टेलरु झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील में से एक मानी जाती है फिल्म में, और वहीं पे दोस्तों मछली पकड़ने वाले खेती के लिए एक महत्वपूर्ण झील भी ये बना हुआ है। लेकिन दोस्तों 40 से अधिक वर्षों के लिए झील मुख्य रूप से विशाखा वाणी के स्वामित्व वाले मछली पकड़ने के खेतों पर बनाई गई है।
इसके बाद देखने को मिलता है कि उसी के साथ ही साथ जो है झील को प्रदूषित लोग कर रहे हैं। कहानी एलरू के एक चतुर और दुष्ट युवक पंजा अभिराम की ओर झुक जाता है, मुड़ जाता है, जो अपने पिता पंजा दशरथ के एक भ्रष्ट सरकारी अधिकारी होने के कारण अपने ही परिवार के भीतर भ्रष्टाचार का अनुभव करने के बाद समाज को सच्चा और ईमानदार बनाना वो पसंद करते हैं, जिसके कारण दोस्तों वह अपने पिता को नापसंद करते हैं और विभिन्न परीक्षाओं में अपने उच्च स्कोरिंग के साथ उन्हें MIT में सीट मिल जाती है। हालांकि दोस्तों उनके पिता के एक चुनावी जो है धांधली में भाग लेने के कारण उन्होंने इसे बदलने के लिए राजनीतिक व्यवस्था में और अधिक जो है गोता लगाने का फैसला कर लिया। इसके बाद दोस्तों अभी भी एक साथ जो है मायरा उनके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि मायरा हेंसन से मिलती है जो एक NRI इंसान है जो अपने लापता भाई डॉक्टर वरुण हेंसन की तलाश करने की कोशिश कर रही है, जिसे दोस्तों यहाँ पे गुमनाम के एक स्थानीय गुंडे के साथ बातचीत करने के लिए जाना जाता है। इस बीच दोस्तों एक नई पार्टी की स्थापना होता है और चुनाव में क्लीन स्वीप करते हुए वानी ने यहाँ पे किंग मेकर की छवि हासिल करते हुए अपने बेटे इंद्र कुरु के साथ विष्णु वरदान को आंध्र प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बना दिया। अब दोस्तों बाद में हमें देखने को मिलता है कि अभी एक ऑटो चालक मणि और वानी के खिलाफ न्याय के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे उसके पिता से मिलने जाते हैं। इस बीच अभी और मायरा को ये पता चलता है कि वरुण मृत पाया जाता है, लेकिन उन्हें पुलिस से कोई भी समर्थन नहीं मिलती है। इससे दोस्तों ये एक मृत अंत होने लगता है। इसके बाद दोस्तों UPSC परीक्षा उसी वक्त आ जाता है जहाँ पे उत्तीर्ण करने के बाद अभी अपने सशस्त्र कार के लिए जाता है, लेकिन दोस्तों ट्रेन में जहाँ पे PTSD प्रकरण के बाद वह मनी को गुना धारा मारते हुए देख लेता है जो वानी के आदेशों के अधीन होता है। लेकिन अभी ये सब देखने के बाद अपने इंटरव्यू के लिए जाता है, लेकिन अपने यहाँ पे मानसिकता के कारण जो है चयनित नहीं हो पाता है। हालांकि दोस्तों कुछ दिनों बाद हुआ परीक्षा में टॉपर के रूप में समाप्त होता है, जिसे स्वयं सहित सभी ने माफ कर दिया। अभी को तब ये पता चलता है कि उसे UPSC बोर्डधारा जिले के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में लागू करने के लिए एक प्रयोग के रूप में चुना गया था और राज्य के किसी भी राजनेता द्वारा उसमें जो हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, ये भी आगे देखने को मिलता है। अब दोस्तों फिल्म के अंत में हमें देखने को मिलता है अभी के अपना काम शुरू करने के बाद वह गुना को खोदने की कोशिश करने लगता है। इसके खिलाफ जो है एनकाउंटर का आदेश दिया गया है और वह उसे मारने में कामयाब हो जाता है। हालांकि दोस्तों उसे जो है उसे उस स्थान पर मायरा को बेहोश पाते हैं जहाँ पे अभी उसे अस्पताल लेकर जाते हैं और यह पता लगाने के लिए कि उसके साथ क्रूरता से बलात्कार किया गया है। और दोस्तों बाद में पता चलता है और उनके शोध के कारण गुना धारा मारे जाने के करीब है। फिर दोस्तों वह बच्चों के बारे में पता लगाने के लिए यहाँ पे पूछताछ किया जाता है कि वह मर गए हैं या नहीं और अभी तक नहीं मिले हैं। लेकिन दोस्तों गुस्से से भरे हुए अभी ने मीडिया को संबोधित करने का फैसला किया और सिस्टम ही इस तरह की चीजें कर रही है इसके ओर इशारा किया। इसके बाद दोस्तों वरुण का वीडियो सबूत मिल जाता और ये पता चलता है कि वरुण एक न्यूरोलॉजिक जो प्रोफेसर है और डॉक्टर है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कहानी और भी फ्लैशबैक में जाती है कि कैसे वरुण की पत्नी राधिका एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी से मर गई थी जो कि टेलरू झील में मछली के यहाँ पे कारण हुई थी। ये सब फिर वह दोस्तों यहाँ पे अधिक लोगों को प्रभावित देखा गया और जो कुछ भी हो रहा था उस पर जो है शोध करने की योजना बनाया जाता है और इसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं सभी लोग। और ये वानी के मछली जो है फर्मों से दूषित था, इसके वजह से झील के बारे में झूठी खबरें देने के लिए क्रोधित अभी अपने पिता और स्वास्थ्य अधिकारी दोनों को ही लंबित कर देता है उनके पद से। आगे दोस्तों देखने को मिलता है कि अभी इस जानकारी के साथ वानी के खेतों और झील पर सभी जो है निर्माण को हटाकर समझने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन वानी अपना सफर जो है बताकर उसे समझाने की कोशिश करती है। इसके बाद दोस्तों वह समाज में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता है क्योंकि पहले एक यहाँ पे समाजवादी की बेटी होने के नाते वह नहीं और वह उन्हीं की तरह जो हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे आपातकाल के दौरान उसने अपने पिता और पति को खो दिया। इसके वजह से तब उन्हें समझ आया कि कोई कितना भी सिस्टम को बदलने की कोशिश कर ले वो नहीं बदल पाएगा। फिर उसने बाद में सिस्टम को यहाँ पे अडॉप्ट किया, जिसकी वजह से हालांकि वानी की यानी कि कहकर मछुआरों का पक्ष लेती है कि वह सभी उसके खेतों में
यहाँ पे ही धारक होंगे और उन्हें अभी के खिलाफ जो है कर देंगे। इसके बाद दोस्तों अभी दोनों पक्षों को वानी के खिलाफ जाने की कोशिश में एक बैठक बुलवाता है, लेकिन बहुत हिंसक हो जाता है बैठक में। इससे कई लोगों की जान चली जाती है। इन तथ्यों के बारे में यूपीएससी बोर्ड अभी को निलंबित कर देता है और मामले की जांच शुरू करता है। बाद में अभी को पता चलता है कि वानी एक केंद्रीय पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयार है, जो पहले जो है सरकार में थी और विरोध करना स्टार्ट कर देती है वहां पे। दोस्तों अब इस मूवी के बारे में और भी अधिक जानने की कोशिश करें तो उन्हें तब जो यानी कि समझ आता है और केंद्रीय पार्टी द्वारा वानी को अपनी गली में लाने के लिए उसे एक राजनीतिक जो है उपकरण के रूप में उपयोग करने के लिए उसको आगे भेजा जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे निराश होकर हालांकि वह इस वजह से उनके पिता भी वहाँ पे गांव वालों से उलझ जाते हैं कि जिससे उनकी पिटाई भी हो जाती है। अभी अपने पिता को बचा लेता है और फ्लैशबैक में पता चलता है कि दशरथ एक बहुत ही ईमानदार अधिकारी थे, लेकिन दोस्तों उनकी ईमानदारी की वजह से उनकी कई जगह तबादला हो गया था, जिससे उनकी पत्नी और बेटी की भी मौत हो गई थी, जो अंत तक उन्हें जो है अनुकूलन बनाती है और सिस्टम के लिए और जो भ्रष्ट हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अभी और दशरथ टीम बनाते हैं और सभी जो है उचित सबूतों के साथ यहाँ पे अदालत में अपील करने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जो है नरसिम्हा राज्य और केंद्रीय स्तर के राजनेताओं के बहुत जो है दबाव के बावजूद अभी वहां पे अभी की अंतिम जो है सुनवाई से प्रेरित होकर न्याय के लिए खड़े होते हैं। लेकिन दोस्तों वहां पे वानी विजय कुमार और दशरथ को उनके पदों से हटा देते हैं और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने झील से सभी जो है निर्माण को एक बार में जो है ध्वस्त करने का भी आदेश दिया। इसी परिणाम के साथ जो है वानी अस्पताल में भर्ती हो जाती है और अभी से कहती है कि वह कितनी भी कोशिश कर ले सिस्टम नहीं बदलेगा। हालांकि कुछ दिनों बाद अभी ये पाता है कि झील पर फिर से जो है निर्माण शुरू हो रहा है और वह ग्रामीणों से पूछते हैं कि उन्होंने ऐसा करने का फैसला क्यों किया, तो वो कहते हैं कि उनकी जाति ने 40 वर्षों तक जो है शासन किया, लेकिन अब शासन करने की उनकी बारी है। लेकिन अभी को अंत तक मनी के पिता का समर्थन प्राप्त हो जाता है। हालांकि दोस्तों जल्द ही अभी खुद को मनी के पिता और उसके गिरोह धारा जंगल के किनारे पर पाते हैं और अंत तक उनके धारा मारे जाते हैं, क्योंकि वह अपने ही लिए झील चाहते हैं, क्योंकि हत्या करने से पहले मनी के पिता अभी से उसे मारने और उसके विश्वासघात के लिए माफी मांगते हैं। ये महसूस करता है कि सत्ता के खेल में एक नया शिकार बनने के लिए यहाँ पे शातिर चक्र में प्रवेश करके ये वानी को आत्महत्या करने के लिए भी प्रेरित करता है, जिससे पता चलता है कि अभी के बारे में चिंतित थी और उसके काम की सराहना करती है और अंत में इस शातिर जो है राजनीतिक घेरे का शिकार बनकर थक गई। इसी घटना ने पूरे दो तेलुगु राज्यों को संकट में डाल दिया है और फिल्म ईमानदार अधिकारियों के साथ समाप्त होती है, जो समाज के लिए किए गए कार्यों के लिए इस तरह से मारे गए थे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं रिपब्लिक फिल्म को, जिसे 2021 में रिलीज किया गया था। आइए दोस्तों अब रिव्यू करते हैं इस फिल्म की कहानी को। दोस्तों इस फिल्म के अंदर अभिराम के चरित्र की समीक्षा करते हुए सुभाष के झा ने कहा था, हाल के दिनों में मैंने किसी भी भाषा में किसी भी फिल्म में देखा है कि वह सबसे सच्चे नायकों में से एक हैं। इसके बाद दोस्तों सिनेमा एक्सप्रेस के राम वेंकट श्री कर ने इसे अच्छी तरह से तैयार किया गया फिल्म कहा और लिखा है कि गणतंत्र तथा भ्रष्टाचार के विचार पर एक स्मार्ट निर्माण फिल्म है और इसके नतीजे जो है निर्दोष लोगों के जीवन में कैसे आते ये देखने को जरूर मिलता है। उन्होंने कहा कि फिल्म के लेखन की मजबूत और वहीं पे सुसंगत है, क्योंकि श्रीकर ने ऐलान के साथ जो है यहाँ पे पाकुला की है, जहाँ पे आपको बता दें पैरा लेक्सी व्यू जो है 1974 के साथ तुलना की थी, क्योंकि दोस्तों दोनों ही फिल्मों में संघर्ष एक जल निकाय को घेरता है और यहीं पे रहस्यमय तरीके से गायब भी हो जाते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के लिए अपनी जो है समीक्षा में हरिचरण पूरी पेदी ने कहा, तेज को यहाँ पे उपयुक्त रूप से कास्ट किया गया है और उन्हें चमकने और मजबूत जो है प्रदर्शन देने के लिए पर्याप्त गुंजाइश और स्क्रीन समय जरूर मिलती है। इसे दोस्तों तीव्र और राजनीतिक नाटक कहते हुए द टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता न्यायपति ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेट किया। न्यायपति ने अभिनय की सराहना करते हुए लिखा,
तेज फिल्म में और चरित्र को अपना सब कुछ देते हैं, लेकिन राममय कृष्णा जो है बदमाश के रूप में स्वादिष्ट है, क्योंकि एक महिला जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगी भले ही वह आपके भाग्य की योजना ही क्यों ना बनाती है। इसके बाद दोस्तों एक हिंदू आलोचक ने संगीता देवी डंडू ने इसे एक मनोरंजन फिल्म कहा था और राजनीतिक नाटक जो है कहा कि जिसकी वजह से यहाँ पे पलायनवादी मनोरंजन मार्ग नहीं बताया। उन्होंने कहा कि फिल्म की ताकत जो है इसके गृह किरदारों में छुपी हुई है। अभिनेता तेज राम्या और ऐश्वर्या के प्रदर्शन की सराहना करते हुए तेलंगाना टुडे के प्रकाश पिचेटी ने कहा है कि गणतंत्रता यहाँ पे निश्चित रूप से साई धर्म तेज के लिए एक पंख जोड़ते हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के लिए फिल्म की समीक्षा करते हुए गवेटा रानीत कुमार ने कहा था कि कट्टा ने रिपब्लिक को एक समर्थक जो है कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जो दर्शकों को यहां पे नागरिक जो है सक्रियता आलोचना और यहां पे लोकतंत्र की पवित्रता की रक्षा के लिए नियंत्रण जो है यानी कि सतर्कता से महत्व की याद दिलाई है। तो दोस्तों इस तरह के रिव्यू बड़े बड़े रिव्यूअर्स ने फिल्म के बारे में दिया है। कहानी को भी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। सभी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग जरूर दिया है। अभिनेता पंजा अभिराम एक नौजवान है फिल्म में जो राजनीतिक व्यवस्था को अंदर से बाहर बदलना चाहते हैं, लेकिन जब वो हर मोड़ पर हार जाते हैं तो क्या वो अपने गृह नगर के भाग्य को बदल पाएंगे या नहीं, यही कहानी देखने को मिलता है। देवाकट्टा उन विषयों से निपटते हैं जो सामान्य ज्ञान में छिपी हुई है, क्योंकि फिर भी गणतंत्रता में दी गई है, क्योंकि अखबारों की यहाँ पे सुर्खियाँ अक्सर जो है पड़ती है कि कैसे एक जो है इनकी बिहिसल और बुलो और या फिर जो है कई ईमानदार नौकर शाह के साथ जो है भाग्य एक चेतावनी संकेत की तरह जो है बिल्कुल अलग लगता है। दूसरों को उनके चुने हुए रास्ते पर चलने से रोका गया और फिर जो है जबकि लोकतंत्र के चारों जो है इनकी संतम एक दूसरे पर जो है इनकी दोषारोपण करते हुए दिखाया गया जो कि वास्तव में यहाँ गलती इसके ये फिल्म में आपको जानने को जरूर मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों अभिनेता पंजा अभिराम साई धर्म तेज यानी कि नामक एक युवक है जिसका अमेरिका में MIT में उज्जवल भविष्य है, लेकिन यहाँ पे इसके बजाय वह अपने गृह नगर जो है एलुरु में वापस रहने का विकल्प चुन लेता है। और दोस्तों यहाँ पे सिविल को कुछ भी जो है यानी कि लिखता है, लेकिन अपने पिता दशरथ यानी कि जगपति बाबू एक भ्रष्ट अधिकारी की तरह यहाँ तक कि एक जिला कलेक्टर के रूप में उनके शासन के लिए यहाँ पे बीज बोए जाने के बावजूद जो है मछली पकड़ने के उद्देश्य की एक यानी कि अतिक्रमिक जो है किया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे थेलेरु जल के साथ जो है निकाय सर्रे होते हैं जहाँ पे किसान जो है जिनकी जमीन जो है यानी कि जलाशय के साथ यानी आस पास है खुद को दोस्तों वो मार रहे हैं क्योंकि उन्हें कोई भी यानी कि भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मंत्री विशाखा वानी राम्य कृष्णा एक व्यवसायी से राजनेता बनी हुई है जो यहाँ रेखाएं यानी कि खींचती है और उम्मीद करती है कि कोई उन्हें पार नहीं करेगा। जहाँ पे दोस्तों मायरा हैंसम ऐश्वर्या राजेश एक NRI है जो अपने लापता भाई की तलाश कर रही है, जहाँ पे शतरंज के इस खेल में जहाँ केवल एक ही विजेता बन सकता है, क्या ये होगा ये आपको आगे कहानी में पता चल जाएगा। अब दोस्तों फिल्म के यहाँ पे आरंभ में अभिराम कहते हैं कि नेनू भारतीय यूटू ने उनके अलावा कड्डू के साथ अपर चितू दीन कुंडू के साथ शंकर के प्रस्थित जो फिल्मों का संदर्भ देते हुए जहां यहां पे सतर्क मार्ग अपनाया गया है। तो दोस्तों यहां पे उनका मानना है कि यहां पे बलात्कारियों को फर्जी जो है मुठभेड़ों में मार दिया जाना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों फिल्म के पहले भाग के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म का पहला भाग साई धर्म तेज को चीजों की मोटी में जाने से पहले अपने जो है डांस मूव से दिखाने का मौका जरूर मिलता है, लेकिन दोस्तों ये कोई ऐसी फिल्म नहीं है जहाँ पे आपको कोई यानी कि मनोरंजन प्रदान किया गया हो। लेकिन दोस्तों क्योंकि देवाकट्टा के पास बताने के लिए एक बड़ी कहानी तो जरूर है, लेकिन इसके अंत तक आप जो है सभी को आश्चर्य होता है कि क्या इस फिल्म में अभी और विशाखा वारिस सहित कोई भी इनके चरित्र जो दूसरे आधे हिस्से में सिर जो झुकाने में सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं, यहाँ तक कि लंबे समय में भी जहाँ पे मायने रखा जाता है, तो ये एक रूपक फिल्म है जिसे वह तब जो है इनकी खोजा जाता है जब वह इसको जो इनकी सिस्टम को बर्बाद करने वाली डेविल फिश यानी कि मिल जाते हैं। डेविल फिश की कहानी कहा गया है क्योंकि फिल्म ये स्पष्ट करती है कि वीरता और सही इरादे भी आम तौर पर दिन बचाने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। गणतंत्र इसके
दोषियों के बिना नहीं है, जबकि जो फिल्म आपको यहाँ पे बांधे जरूर रखती है। गति उन लोगों के धैर्य की परीक्षा ले सकती है जहाँ पे जानना चाहते हैं कि ये सब कहा जा रहा है कि मनीष शर्मा के गाने और इस कोट ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जबकि देवा कट्टा बीज बोते हैं फिल्म में, क्योंकि प्रत्येक जो है व्यक्तित्व में अपने पिछले आघात और यहाँ पे अनुभवों का परिणाम जरूर दिखाते हैं। यहाँ पे गहरा करने के लिए पर्याप्त नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ तक कि एक महिला का यौन शोषण या फिर एक जो है किसान की दिन दहला देने वाले बिरहमी से हत्या कर दी गई थी, ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ये दिखाने के लिए कि लोग किस हद तक जो है जाएंगे, यहाँ पे सिनेमाई स्वतंत्रता कभी कभी गले में खराश की तरह जरूर खड़ी हो जाती है। एक बिंदु के बाद ऐसा लगता है कि निर्देशक एक बार में बहुत कुछ यानी कि ले लेता है। साई धर्म तेज के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म और चरित्र को अपना सब कुछ देते हैं। वह कुछ दृश्यों के दौरान जो है लड़खड़ाने पर फिल्म का वजन उठाने में कामयाब जरूर होते हैं, क्योंकि बहरहाल ये देखकर अच्छा लगता है कि अभिनेताओं को ऐसी पटकथाओं की ओर जो है रुख करना पड़ता है जो उनसे सामान्य और नेतृत्व के साथ आदि की मांग जरूर करती है। रम्य कृष्णन यहाँ पे खलनायक के रूप में स्वादिष्ट है, क्योंकि एक ऐसी महिला जो आपके भाग्य की योजना बनाते हुए भी आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगी। एक नाटकीय दृश्य जहाँ इन दोनों का आमना सामना होता है, वह दिखाया गया है कि वह जो करती है उसमें कितनी यानी कि निपुण है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे गंदी राजनीति को संभालने में कितना भोला और कितना कच्चा अभी है, क्योंकि सिर्फ ऐश्वर्या राजेश अपनी भूमिका में अच्छी है, लेकिन एक ऐसी फिल्म में जहाँ मुख्य भूमिका भी फिल्म को यानी कि एक्सप्लोर करने के लिए एक चरित्र से ज्यादा कुछ नहीं है। अंत में दोस्तों आपको बता दें छड़ी के छोटे सिरे को सौंप दिया गया, क्योंकि श्रीकांत अयंगर, राहुल रामकृष्ण और यहाँ पे जगपति बाबू भी अपनी भूमिकाओं में काफी शानदार चमकते हुए फिल्म में दिखाई दिए हैं। दोस्तों अगर आप हल्के फुल्के मनोरंजन की तलाश में हैं तो फिर आप रिपब्लिक फिल्म को आसानी से देख सकते हैं, लेकिन अगर आप एक गहन और दिल तोड़ने वाले अंत के साथ काफ़ी यानी कि यथार्थवादी और राजनीतिक जो है नाटक के मोड में है तो फिल्म देखें, क्योंकि फिल्म के अंदर आपको राजनीतिक कहानी को एक अच्छी तरह से बताया गया है। दोस्तों निश्चित रूप से पंजा अभिराम को प्रयोग के तौर पर अतिरिक्त जो है शक्ति प्रदान की जाती है, क्योंकि उसके जवाबों में बाद में जो है वरिष्ठ सदस्य सिविल सेवा और इंटरव्यू में उसका सशक्त कार्य लेते हैं, और दोस्तों उन्हें जो है राजनीतिक शक्तियों द्वारा यहाँ पे अंधाधुंध रूप से स्थानांतरित कर दिए जाने से भी बचाया जाता है। ये विशाखा वानी रम्य कृष्णा के साथ होता है, क्योंकि एक तीव्र संघर्ष के लिए मंच तैयार किया गया है जिसके अंगूठे के नीचे सब कुछ होता है। इन दोनों के आमने सामने आने से पहले देवा कट्टा हमें जो है दरारे दिखाते हैं, क्योंकि पुलिस सरकारी अधिकारी और यहाँ पे सिविल जो है सेवकों ने स्वीकार किया है कि सिस्टम जो है गहराई से सड़ चुकी है और मानते हैं कि कुछ भी नहीं बदला जा सकता है। जहाँ पे नायक को रक्षक के रूप में पेश करने के लिए कृषि और यहाँ पे पर्यावरण के मुद्दों का लाभ उठाने वाली फिल्मों में लोगों को असहाय जो है कि पीड़ितों के रूप में जरूर दिखाया गया है। इसके साथ दोस्तों गणतंत्र उन्हें जो है आसानी से जाने नहीं देते हैं, ये पूछते हैं कि क्या हम यहाँ पे लोकतंत्र में लोगों के रूप में वास्तव में परिवर्तन चाहते हैं, और इसके लिए जाति और अन्य जो है विभागों से जो है परे देख सकते हैं। दोस्तों अब फिल्म की ताकत इस बात में निहित है कैसे जो है ये लोगों को काले और सफेद के रूप में जो है चित्रित नहीं करता है। ये दर्शक जो है जगपति बाबू के चरित्र चित्रण के काम आते हैं, जहाँ पे इस तरह के तरीकों का इस्तेमाल जो है विशाखा वानी को उसके अपराध से मुक्त किए बिना यहाँ पे मानवीय बनाने के लिए भी किया जाता है। प्रोग्राम में आपको बता दें भाग्य अभिराम को एक आदर्शवादी के रूप में स्थापित करते हैं, और एक यहाँ पे कलेक्टर द्वारा चुनौती दिए जाने के बाद अगर वह सिस्टम में शामिल हो सकते हैं जहाँ पे इसे जो है साफ कर सकते हैं, तो सिविल सेवाओं को लेने के लिए यहाँ पे MIT के सपनों को छोड़ दिया जाता है। कहानी दोस्तों यहाँ पे एलुरु और इसके जो आसपास के इलाकों में सेट किया गया है, जहाँ पे दशकों से जल निकाय का दोहन किया जाता है, जिससे जो है भूमि खेती के लिए यहाँ पे अनुपयुक्त होती है, और दूसरी जो है मछलियाँ मानव जीवन के लिए एक खतरा बनी हुई है। तो दोस्तों यही कहानी आपको
रिपब्लिक फिल्म में देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आप लोग रिपब्लिक फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको G5 पर भी देखने को मिल जाता है, लेकिन फैंस आपको वहाँ पे सब्सक्रिप्शन जरूर लेना होगा। आप लोगों को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको सिर्फ मूवी रिव्यू, मूवी की बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही देखने को मिलता है। और दोस्तों मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी के फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता, ये तो आप लोगों को पता है। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हो तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से विस्तार में बात कर लेते हैं रिपब्लिक फिल्म के बारे में। बता दें दोस्तों ये फिल्म साल 2021 में रिलीज हुई भारतीय तेलुगु भाषा की राजनीतिक ड्रामा फिल्म है। इसे देवा कट्टा द्वारा लिखा गया है और निर्देशित किया गया है। और दोस्तों इस फिल्म को JB एंटरटेनमेंट और जी स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म में साई तेज, ऐश्वर्या राजेश और रामे कृष्णा इस फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म में जगपति बाबू भी आपको देखने को मिल जाते हैं। फिल्म की कथानक के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म में तेज का अनुसरण किया गया है, जो एक IAS अधिकारी है जो राजनीतिक क्या व्यवस्था और प्रशासनिक के साथ जो है मशीनरी में भ्रष्टाचार से निपटने को दिखाया गया फिल्म के अंदर। इसी के साथ दोस्तों रिपब्लिक फिल्म की फोटोग्राफी के बारे में हम बात करें तो 2020 के मध्य में शुरू हुई और फरवरी 2021 में COVID-19 महामारी द्वारा संक्षिप्त रूप से लंबित किए जाने के बाद समाप्त हुआ था। दोस्तों मनीष शर्मा ने फिल्म का निर्माण किया जबकि छायांकन और संपादन कुरमोस एम सुकुमार और परवीन केएल द्वारा किया गया है। रिपब्लिक फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा के लिए 1 अक्टूबर 2021 को नाटकीय रूप से इस फिल्म को रिलीज किया गया था। रिलीज होने के बाद फिल्म को अच्छा रिस्पांस भी देखने को मिला है। साथ ही साथ दोस्तों बता दें फिल्म को 2020 की शुरुआत में लॉन्च किया गया था और फिल्मांकन 2020 के मध्य में शुरू हुआ था, लेकिन जैसे कि आपको पता है इंडिया में COVID-19 महामारी के कारण फिल्मांकन उस वक्त रोक दिया गया था। और दोस्तों बाद में दिसंबर 2020 में फिर से शुरू किया गया, जहां पे निवेदिता पेदुराज को पहले फिल्म के लिए चुना गया था, जिसे बाद में ऐश्वर्या राजेश ने बदल दिया था, उनकी जगह ले ली थी। इसके बाद दोस्तों फिल्म के शीर्षक की घोषणा 25 जनवरी 2021 को की गई थी। फिल्म को 64 दिनों के लिए शूट किया गया था और फरवरी 2021 में शूटिंग पूरी भी कर ली गई थी। और दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें इस पूरी फिल्म को बनाने में 64 दिनों के लिए शूट किया गया था और फाइनली फरवरी 2021 में शूटिंग पूरी की गई थी। तेज ने जून 2021 में अपने किरदार के लिए डबिंग शुरू भी कर दिया था। साल 2021 की शुरुआत में ही निर्माता ने घोषणा किया था कि फिल्म 4 जून 2021 को रिलीज होगी, लेकिन बाद में दोस्तों फिर से भारत में COVID-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण फिल्म के रिलीज को स्थगित करना पड़ा था। उदाहरण के लिए दोस्तों अगस्त 2021 में फिल्म के रिलीज की तारीख रखी गई, लेकिन दोस्तों फाइनली 1 अक्टूबर 2021 को इस मूवी को फिर से रिलीज किया गया था फाइनली। दोस्तों फिल्म की कहानी के बारे में अगर हम बात कर ले तो साल 1970 में टेलरू झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील में से एक मानी जाती है फिल्म में, और वहीं पे दोस्तों मछली पकड़ने वाले खेती के लिए एक महत्वपूर्ण झील भी ये बना हुआ है। लेकिन दोस्तों 40 से अधिक वर्षों के लिए झील मुख्य रूप से विशाखा वानी के स्वामित्व वाले मछली पकड़ने के खेतों पर बनाई गई है। इसके बाद देखने को मिलता है कि उसी के साथ ही साथ जो झील को प्रदूषित लोग कर रहे हैं। कहानी एलरू के एक चतुर और दुष्ट युवक पंजा अभिराम की ओर झुक जाता है, मुड़ जाता है, जो अपने पिता पंजा दशरथ के एक भ्रष्ट सरकारी अधिकारी होने के कारण अपने ही परिवार के भीतर भ्रष्टाचार का अनुभव करने के बाद समाज को सच्चा और ईमानदार बनाना वो पसंद करते हैं, जिसके कारण दोस्तों वह अपने पिता को नापसंद करते हैं और विभिन्न परीक्षाओं में अपने उच्च स्कोरिंग के साथ उन्हें MIT में सीट मिल जाती है। हालांकि दोस्तों उनके पिता के एक चुनावी जो है धांधली में भाग लेने के कारण उन्होंने इसे बदलने के लिए राजनीतिक व्यवस्था में और अधिक जो है गोता लगाने का फैसला कर लिया। इसके बाद दोस्तों अभी भी एक साथ जो है मायरा उनके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि मायरा हेंसन से मिलती है जो एक NRI इंसान है जो अपने लापता भाई डॉक्टर वरुण हेंसन की तलाश करने की कोशिश कर रही है, जिसे दोस्तों यहाँ पे गुमनाम के एक स्थानीय गुंडे के साथ बातचीत करने के लिए जाना जाता है। इस बीच दोस्तों एक नई पार्टी की स्थापना होता है और चुनाव में क्लीन स्वीप करते हुए वानी ने यहाँ पे किंग मेकर की छवि हासिल करते हुए अपने बेटे इंद्र कुरु के साथ विष्णु वरदान को आंध्र प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बना दिया। अब दोस्तों बाद में हमें देखने को मिलता है कि अभी एक ऑटो चालक मनी और वानी के खिलाफ न्याय के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे उसके पिता से मिलने जाते हैं।
इस बीच अभी और मायरा को ये पता चलता है कि वरुण मृत पाया जाता है, लेकिन उन्हें पुलिस से कोई भी समर्थन नहीं मिलती है। इससे दोस्तों ये एक मृत अंत होने लगता है। इसके बाद दोस्तों यूपीएससी परीक्षा उसी वक्त आ जाता है जहाँ पे उत्तीर्ण करने के बाद अभी अपने सशस्त्र कार के लिए जाता है, लेकिन दोस्तों ट्रेन में जहाँ पे पीटीएसडी प्रकरण के बाद वह मणि को गुना धारा मारते हुए देख लेता है जो वाणी के आदेशों के अधीन होता है। लेकिन अभी ये सब देखने के बाद अपने इंटरव्यू के लिए जाता है, लेकिन अपने यहाँ पे मानसिकता के कारण जो है चयनित नहीं हो पाता है। हालांकि दोस्तों कुछ दिनों बाद हुआ परीक्षा में टॉपर के रूप में समाप्त होता है, जिसे स्वयं सहित सभी ने माफ कर दिया। अभी को तब ये पता चलता है कि उसे यूपीएससी बोर्ड द्वारा जिले के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में लागू करने के लिए एक प्रयोग के रूप में चुना गया था और राज्य के किसी भी राजनेता द्वारा उसमें जो हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, ये भी आगे देखने को मिलता है। अब दोस्तों फिल्म के अंत में हमें देखने को मिलता है अभी के अपना काम शुरू करने के बाद वह गुना को खोजने की कोशिश करने लगता है। इसके खिलाफ जो है एनकाउंटर का आदेश दिया गया है और वह उसे मारने में कामयाब हो जाता है। हालांकि दोस्तों उसे जो है उसे उस स्थान पर मायरा को बेहोश पाते हैं जहाँ पे अभी उसे अस्पताल लेकर जाते हैं और यह पता लगाने के लिए कि उसके साथ क्रूरता से बलात्कार किया गया है। और दोस्तों बाद में पता चलता है और उनके शोध के कारण गुना धारा मारे जाने के करीब है। फिर दोस्तों वह बच्चों के बारे में पता लगाने के लिए यहाँ पे पूछताछ किया जाता है कि वह मर गए हैं या नहीं और अभी तक नहीं मिले हैं। लेकिन दोस्तों गुस्से से भरे हुए अभी ने मीडिया को संबोधित करने का फैसला किया और सिस्टम ही इस तरह की चीजें कर रही है इसके ओर इशारा किया। इसके बाद दोस्तों वरुण का वीडियो सबूत मिल जाता और ये पता चलता है कि वरुण एक न्यूरोलॉजिक जो प्रोफेसर है और डॉक्टर है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कहानी और भी फ्लैशबैक में जाती है कि कैसे वरुण की पत्नी राधिका एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी से मर गई थी जो कि टेलरू झील में मछली के यहाँ पे कारण हुई थी। ये सब फिर वह दोस्तों यहाँ पे अधिक लोगों को प्रभावित देखा गया और जो कुछ भी हो रहा था उस पर जो है शोध करने की योजना बनाया जाता है और इसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं सभी लोग। और ये वाणी के मछली जो है फॉर्मू से दूषित था, इसके वजह से झील के बारे में झूठी खबरें देने के लिए क्रोधित अभी अपने पिता और स्वास्थ्य अधिकारी दोनों को ही लंबित कर देता है उनके पद से। आगे दोस्तों देखने को मिलता है कि अभी इस जानकारी के साथ वाणी के खेतों और झील पर सभी जो है निर्माण को हटाकर समझने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन वाणी अपना सफर जो है बताकर उसे समझाने की कोशिश करती है। इसके बाद दोस्तों वह समाज में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता है क्योंकि पहले एक यहाँ पे समाजवादी की बेटी होने के नाते वह नहीं और वह उन्हीं की तरह जो हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे आपातकाल के दौरान उसने अपने पिता और पति को खो दिया। इसके वजह से तब उन्हें समझ आया कि कोई कितना भी सिस्टम को बदलने की कोशिश कर ले वो नहीं बदल पाएगा। फिर उसने बाद में सिस्टम को यहाँ पे अडॉप्ट किया, जिसकी वजह से हालांकि वाणी ये यानी कि कहकर मछुआरों का पक्ष लेती है कि वह सभी उसके खेतों में यहाँ पे ही धारक होंगे और उन्हें अभी के खिलाफ जो है कर देंगे। इसके बाद दोस्तों अभी दोनों पक्षों को वाणी के खिलाफ जाने की कोशिश में एक बैठक बुलवाता है, लेकिन बहुत हिंसक हो जाता है बैठक में, इससे कई लोगों की जान चली जाती है। इन तथ्यों के बारे में यूपीएससी बोर्ड अभी को निलंबित कर देता है और मामले की जांच शुरू करता है। बाद में अभी को पता चलता है कि वाणी एक केंद्रीय पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयार है जो पहले जो है सरकार में थी और विरोध करना स्टार्ट कर देती है वहां पे। दोस्तों अब इस मूवी के बारे में और भी अधिक जानने की कोशिश करें तो उन्हें तब जो यानी कि समझ आता है और केंद्रीय पार्टी द्वारा वाणी को अपनी गली में लाने के लिए उसे एक राजनीतिक जो है उपकरण के रूप में उपयोग करने के लिए उसको आगे भेजा जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे निराश होकर हालांकि वह इस वजह से उनके पिता भी वहाँ पे गांव वालों से उलझ जाते हैं कि जिससे उनकी पिटाई भी हो जाती है। अभी अपने पिता को बचा लेता है और फ्लैशबैक में पता चलता है कि दशरथ एक बहुत ही ईमानदार अधिकारी थे, लेकिन दोस्तों उनकी ईमानदारी की वजह से उनकी कई जगह तबादला हो गया था जिससे उनकी पत्नी और बेटी की भी मौत हो गई थी, जो अंत तक उन्हें जो है अनुकूलन बनाती है और सिस्टम के लिए और जो भ्रष्ट हो जाते हैं।
इसके बाद दोस्तों अभी और दशरथ टीम बनाते हैं और सभी जो है उचित सबूतों के साथ यहाँ पे अदालत में अपील करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जो है नरसिम्हा राज्य और केंद्रीय इस तरह के राज नेताओं के बहुत जो है दबाव के बावजूद अभी वहाँ पे अभी की अंतिम जो है सुनवाई से प्रेरित होकर न्याय के लिए खड़े होते हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ पे वाणी विजय कुमार और दशरथ को उनके पदों से हटा देते हैं और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने झील से सभी जो है निर्माण को एक बार में जो है ध्वस्त करने का भी आदेश दिया। इसी परिणाम के साथ जो है वाणी अस्पताल में भर्ती हो जाती है और अभी से कहती है कि वह कितनी भी कोशिश कर ले सिस्टम नहीं बदलेगा। हालांकि कुछ दिनों बाद अभी ये पाता है कि झील पर फिर से जो है निर्माण शुरू हो रहा है और वह ग्रामीणों से पूछते हैं कि उन्होंने ऐसा करने का फैसला क्यों किया, तो वो कहते हैं कि उनकी जाति ने 40 वर्षों तक जो है शासन किया लेकिन अब शासन करने की उनकी बारी है। लेकिन अभी को अंत तक मणि के पिता का समर्थन प्राप्त हो जाता है। हालांकि दोस्तों जल्द ही अभी खुद को मणि के पिता और उसके गिरोह धारा जंगल के किनारे पर पाते हैं और अंत तक उनके धारा मारे जाते हैं क्योंकि वह अपने ही लिए झील चाहते हैं। क्योंकि हत्या करने से पहले मणि के पिता अभी से उसे मारने और उसके विश्वासघात के लिए माफी मांगते हैं। ये महसूस करता है कि सत्ता के खेल में एक नया शिकार बनने के लिए यहाँ पे शातिर चक्र में प्रवेश करके ये वाणी को आत्महत्या करने के लिए भी प्रेरित करता है, जिससे पता चलता है कि अभी के बारे में चिंतित थी और उसके काम की सराहना करती है और अंत में इस शातिर जो है राजनीतिक घेरे का शिकार बनकर थक गई। इसी घटना ने पूरे 2 तेलुगु राज्यों को संकट में डाल दिया है और फिल्म ईमानदार अधिकारियों के साथ समाप्त होती है जो समाज के लिए किए गए कार्यों के लिए इस तरह से मारे गए थे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं रिपब्लिक फिल्म को जिसे 2021 में रिलीज किया गया था। आइए दोस्तों अब रिव्यू करते हैं इस फिल्म की कहानी को। दोस्तों इस फिल्म के अंदर अभिराम के चरित्र की समीक्षा करते हुए सुभाष के झा ने कहा था, हाल के दिनों में मैंने किसी भी भाषा में किसी भी फिल्म में देखा है कि वह सबसे सच्चे नायकों में से एक हैं। इसके बाद दोस्तों सिनेमा एक्सप्रेस के राम वेंकट श्री कर ने इसे अच्छी तरह से तैयार किया गया फिल्म कहा और लिखा है कि गणतंत्र तथा भ्रष्टाचार के विचार पर एक स्मार्ट निर्माण फिल्म है और इसके नतीजे जो है निर्दोष लोगों के जीवन में कैसे आते ये देखने को जरूर मिलता है। उन्होंने कहा कि फिल्म के लेखन की मजबूत और वहीं पे सुसंगत है क्योंकि श्री कर ने ऐलान के साथ जो है यहाँ पे पाकुला की है, जहाँ पे आपको बता दें पैरा लेक्स व्यू जो है 1974 के साथ तुलना की थी क्योंकि दोस्तों दोनों ही फिल्मों में संघर्ष एक जल निकाय को घेरता है और यहीं पे रहस्यमय तरीके से गायब भी हो जाते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के लिए अपनी जो है समीक्षा में हरिचरण पूरी पेरी ने कहा, तेज को यहाँ पे उपयुक्त रूप से कास्ट किया गया है और उन्हें चमकने और मजबूत जो है प्रदर्शन देने के लिए पर्याप्त गुंजाइश और स्क्रीन समय जरूर मिलती है। इसे दोस्तों तीव्र और राजनीतिक नाटक कहते हुए द टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता न्यायपति ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेट किया। न्यायपति ने अभिनय की सराहना करते हुए लिखा, तेज फिल्म में और चरित्र को अपना सब कुछ देते हैं लेकिन राममय कृष्णा जो है बदमाश के रूप में स्वादिष्ट है क्योंकि एक महिला जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगी भले ही वह आपके भाग्य की योजना ही क्यों ना बनाती है। इसके बाद दोस्तों एक हिंदू आलोचक ने संगीता देवी डंडू ने इसे एक मनोरंजन फिल्म कहा था और राजनीतिक नाटक जो है कहा कि जिसकी वजह से यहाँ पे प्लानवादी मनोरंजन मार्ग नहीं बताया। उन्होंने कहा कि फिल्म की ताकत जो है इसके गृह किरदारों में छुपी हुई है। अभिनेता तेज राम्या और ऐश्वर्या के प्रदर्शन की सराहना करते हुए तेलंगाना टुडे के प्रकाश पिचेटी ने कहा है कि गणतंत्रता यहाँ पे निश्चित रूप से साई धर्म तेज के लिए एक पंख जोड़ते हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के लिए फिल्म की समीक्षा करते हुए गवेटा रानीत कुमार ने कहा था कि कट्टा ने रिपब्लिक को एक समर्थक जो है कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जो दर्शकों को यहां पे नागरिक जो है सक्रियता आलोचना और यहां पे लोकतंत्र की पवित्रता की रक्षा के लिए निरंतर जो है यानी कि सतर्कता से महत्व की याद दिलाई है। तो दोस्तों इस तरह के रिव्यू बड़े बड़े रिव्यूअर्स ने फिल्म के बारे में दिया है, कहानी को भी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है, सभी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग जरूर दिया है। अभिनेता पंजा अभिराम एक नौजवान है फिल्म में जो राजनीतिक व्यवस्था को अंदर से बाहर बदलना चाहते हैं लेकिन जब वह हर मोड़ पर हार जाते हैं तो क्या वह अपने गृह नगर के भाग्य को बदल पाएंगे या नहीं, यही कहानी देखने को मिलता है।
देवाकर्ता उन विषयों से निपटते हैं जो सामान्य ज्ञान में छिपी हुई है, क्योंकि फिर भी गणतंत्रता में दी गई है, क्योंकि अखबारों की यहाँ पे सुर्खियाँ अक्सर जो है पढ़ती है कि कैसे एक जो है इनकी बिहिसल और बुलो और या फिर जो है कई ईमानदार नौकरशाह के साथ जो है भाग्य एक चेतावनी संकेत की तरह जो है बिल्कुल अलग लगता है। दूसरों को उनके चुने हुए रास्ते पर चलने से रोका गया और फिर जो है जबकि लोकतंत्र के चारों जो है इनकी संतम एक दूसरे पर जो है इनकी दोषारोपण करते हुए दिखाया गया, जो कि वास्तव में यहाँ गलती इसके ये फिल्म में आपको जानने को जरूर मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों अभिनेता पंजा अभिराम साई धर्म तेज यानी कि नामक एक युवक है जिसका अमेरिका में MIT में उज्जवल भविष्य है, लेकिन यहाँ पे इसके बजाय वह अपने गृह नगर जो है एलुरु में वापस रहने का विकल्प चुन लेता है। और दोस्तों यहाँ पे सिविल को कुछ भी जो है यानी कि लिखता है, लेकिन अपने पिता दशरथ यानी कि जगपति बाबू एक भ्रष्ट अधिकारी की तरह यहाँ तक कि एक जिला कलेक्टर के रूप में उनके शासन के लिए यहाँ पे बीज बोए जाने के बावजूद जो है मछली पकड़ने के उद्देश्य की एक यानी कि अतिक्रमिक जो है किया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे थेलेरु जल के साथ जो है निकाय सर्रे होते हैं, जहाँ पे किसान जो है जिनकी जमीन जो है यानी कि जलाशय के साथ यानी आस पास है खुद को दोस्तों वो मार रहे हैं, क्योंकि उन्हें कोई भी यानी कि भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मंत्री विशाखा वानी रामे कृष्णा एक व्यवसायी से राजनेता बनी हुई है जो यहाँ रेखाएं यानी कि खींचती है और उम्मीद करती है कि कोई उन्हें पार नहीं करेगा। जहाँ पे दोस्तों मायरा हैंसम ऐश्वर्या राजेश एक NRI है जो अपने लापता भाई की तलाश कर रही है, जहाँ पे शतरंज के इस खेल में जहाँ केवल एक ही विजेता बन सकता है, क्या ये होगा ये आपको आगे कहानी में पता चल जाएगा। अब दोस्तों फिल्म के यहाँ पे आरंभ में अभिराम कहते हैं कि नेनू भारतीय यूटू ने उनके अलावा कड्डू के साथ अपर चितु दीन कुंडू के साथ शंकर के प्रस्थित जो फिल्मों का संदर्भ देते हुए जहां यहां पे सतर्क मार्ग अपनाया गया है। तो दोस्तों यहां पे उनका मानना है कि यहां पे बलात्कारियों को फर्जी जो है मुठभेड़ों में मार दिया जाना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों फिल्म के पहले भाग के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म का पहला भाग साई धर्म तेज को चीजों की मूर्ति में जाने से पहले अपने जो है डांस मूव्स दिखाने का मौका जरूर मिलता है। लेकिन दोस्तों ये कोई ऐसी फिल्म नहीं है जहाँ पे आपको कोई यानी कि मनोरंजन प्रदान किया गया हो, लेकिन दोस्तों क्योंकि देवाकट्टा के पास बताने के लिए एक बड़ी कहानी तो जरूर है, लेकिन इसके अंत तक आप जो है सभी को आश्चर्य होता है कि क्या इस फिल्म में अभि और विशाखा वारिस सहित कोई भी इनकी चरित्र जो दूसरे आधे हिस्से में सिर जो है झुकाने में सबसे ज्यादा खर्च करते हैं, यहाँ तक कि लंबे समय में भी जहाँ पे मायने रखा जाता है। तो ये एक रूपक फिल्म है जिसे वह तब जो है इनकी खोजा जाता है जब वह इसको जो है इनकी सिस्टम को बर्बाद करने वाली डेविल फिर से यानी कि जाते हैं। डेविल फिश की कहानी कहा गया है क्योंकि फिल्म ये स्पष्ट करती है कि वीरता और सही इरादे भी आम तौर पर दिन बचाने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। गणतंत्र इसके दोषों के बिना नहीं है, जबकि जो फिल्म आपको यहाँ पे बांधे जरूर रखती है। गति उन लोगों के धैर्य की परीक्षा ले सकती है जहाँ पे जानना चाहते हैं कि ये सब कहा जा रहा है कि मनीष शर्मा के गाने और स्कोर ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जबकि देवाकट्टा बीज बोते हैं फिल्म में, क्योंकि प्रत्येक जो है व्यक्तित्व में अपने पिछले आघात और यहाँ पे अनुभवों का परिणाम जरूर दिखाते हैं। यहाँ पे गहरा करने के लिए पर्याप्त नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ तक कि एक महिला का यौन शोषण या फिर एक जो है किसान की दिन दहला देने वाले बिरहमी से हत्या कर दी गई थी, ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ये दिखाने के लिए कि लोग किस हद तक जो है जाएंगे, यहाँ पे सिनेमाई स्वतंत्रता कभी कभी गले में खराश की तरह जरूर खड़ी हो जाती है। एक बिंदु के बाद ऐसा लगता है कि निर्देशक एक बार में बहुत कुछ यानी कि ले लेता है। साई धर्म तेज के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म और चरित्र को अपना सब कुछ देते हैं। वह कुछ दृश्यों के दौरान जो है लड़खड़ाने पर फिल्म का वजन उठाने में कामयाब जरूर होते हैं, क्योंकि बहरहाल ये देखकर अच्छा लगता है कि अभिनेताओं को ऐसी पटकथाओं की ओर जो है रुख करना पड़ता है जो उनसे सामान्य और नेतृत्व के साथ अधिक की मांग जरूर करती है। रामे कृष्णन यहाँ पे खलनायक के रूप में स्वादिष्ट है, क्योंकि एक ऐसी महिला जो आपके भाग्य की योजना बनाते हुए भी आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगी। एक नाटकीय दृश्य जहाँ इन दोनों का आमना सामना होता है वह
दिखाया गया है कि वह जो करती है उसमें कितनी यानी कि निपुण है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे गंदी राजनीति को संभालने में कितना भोला और कितना कच्चा अभी है, क्योंकि सर ऐश्वर्या राजेश अपनी भूमिका में अच्छी है, लेकिन एक ऐसी फिल्म में जहाँ मुख्य भूमिका भी फिल्म को यानी कि एक्सप्लोर करने के लिए एक चरित्र से ज्यादा कुछ नहीं है। अंत में दोस्तों आपको बता दें छड़ी के छोटे सिरे को सौंप दिया गया, क्योंकि श्रीकांत अयंगर, राहुल रामकृष्णा और यहाँ पे जगपति बाबू भी अपनी भूमिकाओं में काफी शानदार चमकते हुए फिल्म में दिखाई दिए हैं। दोस्तों अगर आप हल्के फुल्के मनोरंजन की तलाश में हैं तो फिर आप रिपब्लिक फिल्म को आसानी से देख सकते हैं, लेकिन अगर आप एक गहन और दिल तोड़ने वाले अंत के साथ काफ़ी यानी कि यथार्थवादी और राजनीतिक जो है नाटक के मूड में है तो फिल्म देखें, क्योंकि फिल्म के अंदर आपको राजनीतिक कहानी को एक अच्छी तरह से बताया गया है। दोस्तों निश्चित रूप से पंजा अभिराम को प्रयोग के तौर पर अतिरिक्त जो है शक्ति प्रदान की जाती है, क्योंकि उसके जवाबों में बाद में जो है वरिष्ठ सदस्य सिविल सेवा और इंटरव्यू में उसका सशक्त कार्य लेते हैं, और दोस्तों उन्हें जो है राजनीतिक शक्तियों द्वारा यहाँ पे अंधाधुंध रूप से स्थानांतरित कर दिए जाने से भी बचाया जाता है। ये विशाखा वानी रामकृष्ण के साथ होता है, क्योंकि एक तीव्र संघर्ष के लिए मंच तैयार किया गया है जिसके अंगूठे के नीचे सब कुछ होता है। इन दोनों के आमने सामने आने से पहले दिवाकरण हमें जो है दरारे दिखाते हैं, क्योंकि पुलिस सरकारी अधिकारी और यहाँ पे सिविल जो है सेवकों ने स्वीकार किया है कि सिस्टम जो है गहराई से सड़ चुकी है और मानते हैं कि कुछ भी नहीं बदला जा सकता है। जहाँ पे नायक को रक्षक के रूप में पेश करने के लिए कृषि और यहाँ पे पर्यावरण के मुद्दों का लाभ उठाने वाली फिल्मों में लोगों को असहाय जो है यानी कि पीड़ितों के रूप में जरूर दिखाया गया है। इसके साथ दोस्तों गणतंत्र उन्हें जो है आसानी से जाने नहीं देते हैं, ये पूछते हैं कि क्या हम यहाँ पे लोकतंत्र में लोगों के रूप में वास्तव में परिवर्तन चाहते हैं, और इसके लिए जाति और अन्य जो है विभागों से जो है परे देख सकते हैं। दोस्तों अब फिल्म की ताकत इस बात में निहित है कैसे जो है ये लोगों को काले और सफेद के रूप में जो है चित्रित नहीं करता है। ये दर्शक जो है जगपति बाबू के चरित्र चित्रण के काम आते हैं, जहाँ पे इस तरह के तरीकों का इस्तेमाल जो है विशाखा वानी को उसके अपराध से मुक्त किए बिना यहाँ पे मानवीय बनाने के लिए भी किया जाता है। प्रोग्राम में आपको बता दें भाग जो है अभिराम को एक आदर्शवादी के रूप में स्थापित करते हैं, और एक यहाँ पे कलेक्टर द्वारा चुनौती दिए जाने के बाद अगर वह सिस्टम में शामिल हो सकते हैं जहाँ पे इसे जो है साफ कर सकते हैं, तो सिविल सेवाओं को लेने के लिए यहाँ पे MIT के सपनों को छोड़ दिया जाता है। कहानी दोस्तों यहाँ पे एलुरु और इसके जो आसपास के इलाकों में सेट किया गया है, जहाँ पे दशकों से जल निकायों का दोहन किया जाता है, जिससे जो है भूमि खेती के लिए यहाँ पे अनुपयुक्त होती है, और दृष्टि यहाँ पे दूषित जो है मछलियाँ मानव जीवन के लिए एक खतरा बनी हुई है। तो दोस्तों यही कहानी आपको रिपब्लिक फिल्म में देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आप लोग रिपब्लिक फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको G5 पर भी देखने को मिल जाता है, लेकिन फैंस आपको वहाँ पे सब्सक्रिप्शन जरूर लेना होगा। आप लोगों को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको सिर्फ मूवी रिव्यू, मूवी की बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही देखने को मिलता है, और दोस्तों मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता, ये तो आप लोगों को पता है। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हो तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से विस्तार में बात कर लेते हैं रिपब्लिक फिल्म के बारे में। बता दें दोस्तों ये फिल्म साल 2021 में रिलीज हुई भारतीय तेलुगु भाषा की राजनीतिक ड्रामा फिल्म है, जिसे देवाकट्टा द्वारा लिखा गया है और निर्देशित किया गया है, और दोस्तों इस फिल्म को JB एंटरटेनमेंट और जी स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म में साई तेज, ऐश्वर्या राजेश और रामय कृष्णा इस फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म में जगपति बाबू भी आपको देखने को मिल जाते हैं। फिल्म की कथानक के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म में तेज का अनुसरण किया गया है, जो एक IAS अधिकारी है जो राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासनिक के साथ जो है मशीनरी में भ्रष्टाचार से निपटने को दिखाया गया फिल्म के अंदर। इसी के साथ दोस्तों रिपब्लिक फिल्म की फोटोग्राफी के बारे में हम बात करें तो 2020 के मध्य में शुरू हुई और फरवरी 2021 में COVID-19 महामारी द्वारा संक्षिप्त रूप से लंबित किए जाने के बाद समाप्त हुआ था। दोस्तों मनीष शर्मा ने फिल्म का निर्माण किया, जबकि छायांकन और संपादन क्रमोस M. सुकुमार और परवीन KL द्वारा किया गया है। रिपब्लिक फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा के लिए 1 अक्टूबर 2021 को नाटकीय रूप से इस फिल्म को रिलीज किया गया था। रिलीज होने के बाद फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स भी देखने को मिला है।
साथ ही साथ दोस्तों बता दें फिल्म को 2020 की शुरुआत में लॉन्च किया गया था और फिल्मांकन 2020 के मध्य में शुरू हुआ था, लेकिन जैसे कि आपको पता है इंडिया में कोविड-19 महामारी के कारण फिल्मांकन उस वक्त रोक दिया गया था और दोस्तों बाद में दिसंबर 2020 में फिर से शुरू किया गया, जहां पे निवेदिता पेदुराज को पहले फिल्म के लिए चुना गया था, जिसे बाद में ऐश्वर्या राजेश ने बदल दिया था, उनकी जगह ले ली थी। इसके बाद दोस्तों फिल्म के शीर्षक की घोषणा 25 जनवरी 2021 को की गई थी। फिल्म को 64 दिनों के लिए शूट किया गया था और फरवरी 2021 में शूटिंग पूरी भी कर ली गई थी। और दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें इस पूरी फिल्म को बनाने में 64 दिनों के लिए शूट किया गया था और फाइनली फरवरी 2021 में शूटिंग पूरी की गई थी। तेज ने जून 2021 में अपने किरदार के लिए डबिंग शुरू भी कर दिया था। साल 2021 की शुरुआत में ही निर्माता ने घोषणा किया था कि फिल्म 4 जून 2021 को रिलीज होगी, लेकिन बाद में दोस्तों फिर से भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण फिल्म के रिलीज को स्थगित करना पड़ा था। उदाहरण के लिए दोस्तों अगस्त 2021 में फिल्म के रिलीज की तारीख रखी गई, लेकिन दोस्तों फाइनली 1 अक्टूबर 2021 को इस मूवी को फिर से रिलीज किया गया था फाइनली। दोस्तों फिल्म की कहानी के बारे में अगर हम बात कर ले तो साल 1970 में टेलरू झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील में से एक मानी जाती है फिल्म में, और वहीं पे दोस्तों मछली पकड़ने वाले खेती के लिए एक महत्वपूर्ण झील भी ये बना हुआ है। लेकिन दोस्तों 40 से अधिक वर्षों के लिए झील मुख्य रूप से विशाखा वानी के स्वामित्व वाले मछली पकड़ने के खेतों पर बनाई गई है। इसके बाद देखने को मिलता है कि उसी के साथ ही साथ जो है झील को प्रदूषित लोग कर रहे हैं। कहानी एलरू के एक चतुर और दुष्ट युवक पंजा अभिराम की ओर झुक जाता है, मुड़ जाता है, जो अपने पिता पंजा दशरथ के एक भ्रष्ट सरकारी अधिकारी होने के कारण अपने ही परिवार के भीतर भ्रष्टाचार का अनुभव करने के बाद समाज को सच्चा और ईमानदार बनाना वो पसंद करते हैं, जिसके कारण दोस्तों वह अपने पिता को नापसंद करते हैं और विभिन्न परीक्षाओं में अपने उच्च स्कोरिंग के साथ उन्हें MIT में सीट मिल जाती है। हालांकि दोस्तों उनके पिता के एक चुनावी जो है धांधली में भाग लेने के कारण उन्होंने इसे बदलने के लिए राजनीतिक व्यवस्था में और अधिक जो है गोता लगाने का फैसला कर लिया। इसके बाद दोस्तों अभी भी एक साथ जो है मायरा उनके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि मायरा हेंसन से मिलती है जो एक NRI इंसान है जो अपने लापता भाई डॉक्टर वरुण हेंसन की तलाश करने की कोशिश कर रही है, जिसे दोस्तों यहाँ पे गुमनाम के एक स्थानीय गुंडे के साथ बातचीत करने के लिए जाना जाता है। इस बीच दोस्तों एक नई पार्टी की स्थापना होता है और चुनाव में क्लीन स्वीप करते हुए वानी ने यहाँ पे किंग मेकर की छवि हासिल करते हुए अपने बेटे इंद्र कुरु के साथ विष्णु वरदान को आंध्र प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बना दिया। अब दोस्तों बाद में हमें देखने को मिलता है कि अभी एक ऑटो चालक मनी और वानी के खिलाफ न्याय के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे उसके पिता से मिलने जाते हैं। इस बीच अभी और मायरा को ये पता चलता है कि वरुण मृत पाया जाता है, लेकिन उन्हें पुलिस से कोई भी समर्थन नहीं मिलती है। इससे दोस्तों ये एक मृत अंत होने लगता है। इसके बाद दोस्तों UPSC परीक्षा उसी वक्त आ जाता है जहाँ पे उत्तीर्ण करने के बाद अभी अपने सशस्त्र कार के लिए जाता है, लेकिन दोस्तों ट्रेन में जहाँ पे PTSD प्रकरण के बाद वह मनी को गुना धारा मारते हुए देख लेता है जो वानी के आदेशों के अधीन होता है। लेकिन अभी ये सब देखने के बाद अपने इंटरव्यू के लिए जाता है, लेकिन अपने यहाँ पे मानसिकता के कारण जो है चयनित नहीं हो पाता है। हालांकि दोस्तों कुछ दिनों बाद हुआ परीक्षा में टॉपर के रूप में समाप्त होता है, जिसे स्वयं सहित सभी ने माफ कर दिया। अभी को तब ये पता चलता है कि उसे UPSC बोर्ड द्वारा जिले के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में लागू करने के लिए एक प्रयोग के रूप में चुना गया था और राज्य के किसी भी राजनेता द्वारा उसमें जो हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, ये भी आगे देखने को मिलता है। अब दोस्तों फिल्म के अंत में हमें देखने को मिलता है अभी के अपना काम शुरू करने के बाद वह गुना को खोजने की कोशिश करने लगता है। इसके खिलाफ जो है एनकाउंटर का आदेश दिया गया है और वह उसे मारने में कामयाब हो जाता है। हालांकि दोस्तों उसे जो है उसे उस स्थान पर मायरा को बेहोश पाते हैं, जहां पे अभी उसे अस्पताल लेकर जाते हैं और यह पता लगाने के लिए कि उसके साथ क्रूरता से बलात्कार किया गया है। और दोस्तों बाद में पता चलता है और उनके शोध के कारण गुना धारा मारे जाने के करीब है। फिर दोस्तों वह बच्चों के बारे में पता लगाने के लिए यहाँ पे पूछताछ किया जाता है कि वह मर गए हैं या नहीं और अभी तक नहीं मिले हैं। लेकिन दोस्तों गुस्से से भरे हुए अभी ने मीडिया को संबोधित किया,
संबोधित करने का फैसला किया और सिस्टम ही इस तरह की चीजें कर रही है इसके ओर इशारा किया। इसके बाद दोस्तों वरुण का वीडियो सबूत मिल जाता है और ये पता चलता है कि वरुण एक न्यूरोलॉजिक जो प्रोफेसर है और डॉक्टर है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कहानी और भी फ्लैशबैक में जाती है कि कैसे वरुण की पत्नी राधिका एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी से मर गई थी जो कि टेलरू झील में मछली के यहाँ पे कारण हुई थी ये सब। फिर वह दोस्तों यहाँ पे अधिक लोगों को प्रभावित देखा गया और जो कुछ भी हो रहा था उस पर जो है शोध करने की योजना बनाया जाता है और इसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं सभी लोग। और ये वाणी के मछली जो है फर्मों से दूषित था इसके वजह से झील के बारे में झूठी खबरें देने के लिए क्रोधित अभी अपने पिता और स्वास्थ्य अधिकारी दोनों को ही लंबित कर देता है उनके पद से। आगे दोस्तों देखने को मिलता है कि अभी इस जानकारी के साथ वाणी के खेतों और झील पर सभी जो है निर्माण को हटाकर समझने के लिए उसके पास जाता है लेकिन वाणी अपना सफर जो है बताकर उसे समझाने की कोशिश करती है। इसके बाद दोस्तों वह समाज में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता है क्योंकि पहले एक यहाँ पे समाजवादी की बेटी होने के नाते वह नहीं और वह उन्हीं की तरह जो हुआ करती थी लेकिन यहाँ पे आपातकाल के दौरान उसने अपने पिता और पति को खो दिया। इसके वजह से तब उन्हें समझ आया कि कोई कितना भी सिस्टम को बदलने की कोशिश कर ले वो नहीं बदल पाएगा। फिर उसने बाद में सिस्टम को यहाँ पे अडॉप्ट किया जिसकी वजह से हालांकि वाणी की यानी कि कहकर मछुआरों का पक्ष लेती है कि वह सभी उसके खेतों में यहाँ पे ही धारक होंगे और उन्हें अभी के खिलाफ जो है कर देंगे। इसके बाद दोस्तों अभी दोनों पक्षों को वाणी के खिलाफ जाने की कोशिश में एक बैठक बुलवाता है लेकिन बहुत हिंसक हो जाता है बैठक में इससे कई लोगों की जान चली जाती है। इन तथ्यों के बारे में यूपीएससी बोर्ड अभी को निलंबित कर देता है और मामले की जांच शुरू करता है। बाद में अभी को पता चलता है कि वाणी एक केंद्रीय पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयार है जो पहले जो है सरकार में थी और विरोध करना स्टार्ट कर देती है वहां पे। दोस्तों अब इस मूवी के बारे में और भी अधिक जानने की कोशिश करें तो उन्हें तब जो यानी कि समझ आता है और केंद्रीय पार्टी द्वारा वाणी को अपनी गली में लाने के लिए उसे एक राजनीतिक जो है उपकरण के रूप में उपयोग करने के लिए उसको आगे भेजा जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे निराश होकर हालांकि वह इस वजह से उनके पिता भी वहाँ पे गांव वालों से उलझ जाते हैं कि जिससे उनकी पिटाई भी हो जाती है। अभी अपने पिता को बचा लेता है और फ्लैशबैक में पता चलता है कि दशरथ एक बहुत ही ईमानदार अधिकारी थे लेकिन दोस्तों उनकी ईमानदारी की वजह से उनकी कई जगह तबादला हो गया था जिससे उनकी पत्नी और बेटी की भी मौत हो गई थी जो अंत तक उन्हें जो है अनुकूलन बनाती है और सिस्टम के लिए और जो भ्रष्ट हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अभी और दशरथ टीम बनाते हैं और सभी जो है उचित सबूतों के साथ यहाँ पे अदालत में अपील करने का फैसला कर लेते हैं लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जो है नरसिम्हा राज्य और केंद्रीय स्तर के राजनेताओं के बहुत जो है दबाव के बावजूद अभी वहां पे अभी की अंतिम जो है सुनवाई से प्रेरित होकर न्याय के लिए खड़े होते हैं। लेकिन दोस्तों वहां पे वाणी विजय कुमार और दशरथ को उनके पदों से हटा देते हैं और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने झील से सभी जो है निर्माण को एक बार में जो है ध्वस्त करने का भी आदेश दिया। इसी परिणाम के साथ जो है वाणी अस्पताल में भर्ती हो जाती है और अभी से कहती है कि वह कितनी भी कोशिश कर ले सिस्टम नहीं बदलेगा। हालांकि कुछ दिनों बाद अभी ये पाता है कि झील पर फिर से जो है निर्माण शुरू हो रहा है और वह ग्रामीणों से पूछते हैं कि उन्होंने ऐसा करने का फैसला क्यों किया तो वो कहते हैं कि उनकी जाति ने 40 वर्षों तक जो है शासन किया लेकिन अब शासन करने की उनकी बारी है। लेकिन अभी को अंत तक मणि के पिता का समर्थन प्राप्त हो जाता है। हालांकि दोस्तों जल्द ही अभी खुद को मणि के पिता और उसके गिरोधारा जंगल के किनारे पर पाते हैं और अंत तक उनके धारा मारे जाते हैं क्योंकि वह अपने ही लिए झील चाहते हैं क्योंकि हत्या करने से पहले मणि के पिता अभी से उसे मारने और उसके विश्वासघात के लिए माफी मांगते हैं। ये महसूस करता है कि सत्ता के खेल में एक नया शिकार बनने के लिए यहाँ पे शातिर चक्र में प्रवेश करके ये वाणी को आत्महत्या करने के लिए भी प्रेरित करता है जिससे पता चलता है कि अभी के बारे में चिंतित थी और उसके काम की सराहना करती है और अंत में इस शातिर जो है राजनीतिक घेरे का शिकार बनकर थक गई। इसी घटना ने पूरे दो तेलुगु राज्यों को संकट में डाल दिया है और फिल्म ईमानदार अधिकारियों के साथ समाप्त होती है।
जो समाज के लिए किए गए कार्यों के लिए इस तरह से मारे गए थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं रिपब्लिक फिल्म को, जिसे 2021 में रिलीज किया गया था। आइए दोस्तों, अब रिव्यू करते हैं इस फिल्म की कहानी को। दोस्तों, इस फिल्म के अंदर अभिराम के चरित्र की समीक्षा करते हुए सुभाष के झा ने कहा था, हाल के दिनों में मैंने किसी भी भाषा में किसी भी फिल्म में देखा है कि वह सबसे सच्चे नायकों में से एक हैं। इसके बाद दोस्तों, सिनेमा एक्सप्रेस के राम वेंकट श्री कर ने इसे अच्छी तरह से तैयार किया गया फिल्म कहा और लिखा है कि गणतंत्र तथा भ्रष्टाचार के विचार पर एक स्मार्ट निर्माण फिल्म है और इसके नतीजे जो है निर्दोष लोगों के जीवन में कैसे आते ये देखने को जरूर मिलता है। उन्होंने कहा कि फिल्म के लेखन की मजबूत और वहीं पे सुसंगत है, क्योंकि श्री कर ने ऐलान के साथ जो है यहाँ पे पाकुला की है, जहाँ पे आपको बता दें पैरालैक्स व्यू जो है 1974 के साथ तुलना की थी, क्योंकि दोस्तों दोनों ही फिल्मों में संघर्ष एक जल निकाय को घेरता है और यहीं पे रहस्यमय तरीके से गायब भी हो जाते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के लिए अपनी जो है समीक्षा में हरिचरण पूरी पेरी ने कहा, तेज को यहाँ पे उपयुक्त रूप से कास्ट किया गया है और उन्हें चमकने और मजबूत जो है प्रदर्शन देने के लिए पर्याप्त गुंजाइश और स्क्रीन समय जरूर मिलती है। इसे दोस्तों तीव्र और राजनीतिक नाटक कहते हुए द टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता न्यायपति ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार रेट किया। न्यायपति ने अभिनय की सराहना करते हुए लिखा, तेज फिल्म में और चरित्र को अपना सब कुछ देते हैं, लेकिन राममय कृष्णा जो है बदमाश के रूप में स्वादिष्ट है, क्योंकि एक महिला जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगी भले ही वह आपके भाग्य की योजना ही क्यों ना बनाती है। इसके बाद दोस्तों, एक हिंदू आलोचक ने संगीता देवी डंडू ने इसे एक मनोरंजन फिल्म कहा था और राजनीतिक नाटक जो है कहा कि जिसकी वजह से यहाँ पे पलायनवादी मनोरंजन मार्ग नहीं बताया। उन्होंने कहा कि फिल्म की ताकत जो है इसके गृह किरदारों में छुपी हुई है। अभिनेता तेज राम्या और ऐश्वर्या के प्रदर्शन की सराहना करते हुए तेलंगाना टुडे के प्रकाश पेचेटी ने कहा है कि गणतंत्रता यहाँ पे निश्चित रूप से साई धर्म तेज के लिए एक पंख जोड़ते हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के लिए फिल्म की समीक्षा करते हुए गवेटा रानीत कुमार ने कहा था कि कट्टा ने रिपब्लिक को एक समर्थक जो है कहानी के रूप में प्रस्तुत किया, जो दर्शकों को यहाँ पे नागरिक जो है सक्रियता आलोचना और यहाँ पे लोकतंत्र की पवित्रता की रक्षा के लिए नियंत्रण जो है यानी कि सतर्कता से महत्व की याद दिलाई है। तो दोस्तों, इस तरह के रिव्यू बड़े बड़े रिव्यूअर्स ने फिल्म के बारे में दिया है। कहानी को भी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला, सभी ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग जरूर दिया है। अभिनेता पंजा अभिराम एक नौजवान फिल्म में जो राजनीतिक व्यवस्था को अंदर से बाहर बदलना चाहते हैं, लेकिन जब वो हर मोड़ पर हार जाते हैं तो क्या वो अपने गृह नगर के भाग्य को बदल पाएंगे या नहीं, यही कहानी देखने को मिलता है। देवाकट्टा उन विषयों से निपटते हैं जो सामान्य ज्ञान में छिपी हुई है, क्योंकि फिर भी गणतंत्रता में दी गई है, क्योंकि अखबारों की यहाँ पे सुर्खियाँ अक्सर जो है पड़ती है कि कैसे एक जो है यानी कि बिहिसल और बुलो और या फिर जो है कई ईमानदार नौकरशाह के साथ जो है भाग्य एक चेतावनी संकेत की तरह जो है बिल्कुल अलग लगता है। दूसरों को उनके चुने हुए रास्ते पर चलने से रोका गया और फिर जो है जबकि लोकतंत्र के चारों जो है संतम एक दूसरे पर जो है दोषारोपण करते हुए दिखाया गया, जो कि वास्तव में यहाँ गलती इसके ये फिल्म में आपको जानने को जरूर मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अभिनेता पंजा अभिराम साई धर्म तेज यानी कि नामक एक युवक है जिसका अमेरिका में MIT में उज्जवल भविष्य है, लेकिन यहाँ पे इसके बजाय वह अपने गृह नगर जो है एलुरु में वापस रहने का विकल्प चुन लेता है। और दोस्तों, यहाँ पे सिविल को कुछ भी जो है यानी कि लिखता है, लेकिन अपने पिता दशरथ यानी कि जगपति बाबू एक भ्रष्ट अधिकारी की तरह यहाँ तक कि एक जिला कलेक्टर के रूप में उनके शासन के लिए यहाँ पे बीज बोए जाने के बावजूद जो है मछली पकड़ने के उद्देश्य की एक यानी कि अतिक्रमिक जो है किया गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे थेलेरु जल के साथ जो है निकाय सर्रे होते हैं, जहाँ पे किसान जो है जिनकी जमीन जो है यानी कि जलाशय के साथ यानी आस पास है, खुद को दोस्तों वो मार रहे हैं क्योंकि उन्हें कोई भी यानी कि भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मंत्री विशाखा वानी राम्य कृष्णा एक व्यवसायी से राजनेता बनी हुई है जो यहाँ रेखाएं यानी कि खींचती है और उम्मीद करती है कि कोई उन्हें पार नहीं करेगा।
जहाँ पे दोस्तों मायरा हैंसम ऐश्वर्या राजेश एक NRI है जो अपने लापता भाई की तलाश कर रही है, जहाँ पे शतरंज के इस खेल में जहाँ केवल एक ही विजेता बन सकता है, क्या ये होगा ये आपको आगे कहानी में पता चल जाएगा। अब दोस्तों फिल्म के यहाँ पे आरंभ में अभिराम कहते हैं कि नेनू भारतीय यूटू ने उनके अलावा कड्डू के साथ, अपर चितू, दीन कुंडू के साथ शंकर की प्रस्थित जो फिल्मों का संदर्भ देते हुए जहां यहां पे सतर्क मार्ग अपनाया गया है। तो दोस्तों यहां पे उनका मानना है कि यहां पे बलात्कारियों को फर्जी जो है मुठभेड़ों में मार दिया जाना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों फिल्म के पहले भाग के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म का पहला भाग साई धर्म तेज को चीजों की मोटी में जाने से पहले अपने जो है डांस मूव्स दिखाने का मौका जरूर मिलता है, लेकिन दोस्तों ये कोई ऐसी फिल्म नहीं है जहां पे आपको कोई यानी कि मनोरंजन प्रदान किया गया हो। लेकिन दोस्तों क्योंकि देवाकर्ता के पास बताने के लिए एक बड़ी कहानी तो जरूर है, लेकिन इसके अंत तक आप जो है सभी को आश्चर्य होता है कि क्या इस फिल्म में अभी और विशाखा वारिस सहित कोई भी इनकी चरित्र जो दूसरे आधे हिस्से में सिर जो झुकाने में सबसे ज्यादा खर्च करते हैं, यहाँ तक कि लंबे समय में भी जहाँ पे मायने रखा जाता है, तो ये एक रूपक फिल्म है जिसे वह तब जो है खोजा जाता है जब वह इसको जो है सिस्टम को बर्बाद करने वाली डेविल फिट से यानी कि मिल जाते हैं। डेविल फिश की कहानी कहा गया है क्योंकि फिल्म ये स्पष्ट करती है कि वीरता और सही इरादे भी आम तौर पर दिन बचाने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। गणतंत्र इसके दोषों के बिना नहीं है, जबकि जो फिल्म आपको यहाँ पे बांधे जरूर रखती है। गति उन लोगों के धैर्य की परीक्षा ले सकती है जहाँ पे जानना चाहते हैं कि ये सब कहा जा रहा है कि मनीष शर्मा के गाने और स्कोर ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जबकि देवाकट्टा बीज बोते हैं फिल्म में क्योंकि प्रत्येक जो है व्यक्तित्व में अपने पिछले आघात और यहाँ पे अनुभवों का परिणाम जरूर दिखाते हैं। यहाँ पे गहरा करने के लिए पर्याप्त नहीं किया गया है क्योंकि यहाँ तक कि एक महिला का यौन शोषण या फिर एक जो है किसान की दिन दहना देने वाले बिरहमी से हत्या कर दी गई थी, ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ये दिखाने के लिए कि लोग किस हद तक जो है जाएंगे, यहाँ पे सिनेमाई स्वतंत्रता कभी कभी गले में खराश की तरह जरूर खड़ी हो जाती है। एक बिंदु के बाद ऐसा लगता है कि निर्देशक एक बार में बहुत कुछ यानी कि ले लेता है। साई धर्म तेज के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म और चरित्र को अपना सब कुछ देते हैं। वह कुछ दृश्यों के दौरान जो है लड़खड़ाने पर फिल्म का वजन उठाने में कामयाब जरूर होते हैं क्योंकि बहरहाल ये देखकर अच्छा लगता है कि अभिनेताओं को ऐसी पटकथाओं की ओर जो है रुख करना पड़ता है जो उनसे सामान्य और नेतृत्व के साथ अधिक की मांग जरूर करती है। रम्य कृष्णन यहाँ पे खलनायक के रूप में स्वादिष्ट है क्योंकि एक ऐसी महिला जो आपके भाग्य की योजना बनाते हुए भी आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगी, एक नाटकीय दृश्य जहाँ इन दोनों का आमना सामना होता है वह दिखाया गया है कि वह जो करती है उसमें कितनी यानी कि निपुण है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे गंदी राजनीति को संभालने में कितना भोला और कितना कच्चा अभी है क्योंकि सर ऐश्वर्या राजेश अपनी भूमिका में अच्छी है, लेकिन एक ऐसी फिल्म में जहाँ मुख्य भूमिका भी फिल्म को यानी कि एक्सप्लोर करने के लिए एक चरित्र से ज्यादा कुछ नहीं है। अंत में दोस्तों आपको बता दें छड़ी के छोटे सिरे को सौंप दिया गया क्योंकि श्रीकांत अयंगर, राहुल रामकृष्ण और यहाँ पे जगपति बाबू भी अपनी भूमिकाओं में काफी शानदार चमकते हुए फिल्म में दिखाई दिए हैं। दोस्तों अगर आप हल्के फुल्के मनोरंजन की तलाश में हैं तो फिर आप रिपब्लिक फिल्म को आसानी से देख सकते हैं, लेकिन अगर आप एक गहन और दिल तोड़ने वाले अंत के साथ काफ़ी यानी कि यथार्थवादी और राजनीतिक जो है नाटक के मोड में है तो फिल्म देखें क्योंकि फिल्म के अंदर आपको राजनीतिक कहानी को एक अच्छी तरह से बताया गया है। दोस्तों निश्चित रूप से पंजा अभिराम को प्रयोग के तौर पर अतिरिक्त जो है शक्ति प्रदान की जाती है क्योंकि उसके जवाबों में बाद में जो है वरिष्ठ सदस्य सिविल सेवा और इंटरव्यू में उसका सशक्त कार्य लेते हैं और दोस्तों उन्हें जो है राजनीतिक शक्तियों द्वारा यहाँ पे अंधाधुंध रूप से स्थानांतरित कर दिए जाने से भी बचाया जाता है। ये विशाखा वानी रम्य कृष्णा के साथ होता क्योंकि एक तीव्र संघर्ष के लिए मंच तैयार किया गया है जिसके अंगूठे के नीचे सब कुछ होता है। इन दोनों के आमने सामने आने से पहले देवाकट्टा हमें जो है दरारे
दिखाते हैं, क्योंकि पुलिस सरकारी अधिकारी और यहाँ पे सिविल जो है सेवकों ने स्वीकार किया है कि सिस्टम जो है गहराई से सड़ चुकी है और मानते हैं कि कुछ भी नहीं बदला जा सकता है। जहाँ पे नायक को रक्षक के रूप में पेश करने के लिए कृषि और यहाँ पे पर्यावरण के मुद्दों का लाभ उठाने वाली फिल्मों में लोगों को असहाय जो है कि पीड़ितों के रूप में जरूर दिखाया गया है। इसके साथ दोस्तों गणतंत्र उन्हें जो है आसानी से जाने नहीं देते हैं, ये पूछते हैं कि क्या हम यहाँ पे लोकतंत्र में लोगों के रूप में वास्तव में परिवर्तन चाहते हैं और इसके लिए जाति और अन्य जो है विभागों से जो है परे देख सकते हैं। दोस्तों अब फिल्म की ताकत इस बात में निहित है कैसे जो है ये लोगों को काले और सफेद के रूप में जो है चित्रित नहीं करता है। ये दर्शक जो है जगपति बाबू के चरित्र चित्रण के काम आते हैं, जहाँ पे इस तरह के तरीकों का इस्तेमाल जो है विशाखा वाणी को उसके अपराध से मुक्त किए बिना यहाँ पे मानवीय बनाने के लिए भी किया जाता है। प्रोग्राम में आपको बता दें भाग जो अब विराम को एक आदर्शवादी के रूप में स्थापित करते हैं और एक यहाँ पे कलेक्टर द्वारा चुनौती दिए जाने के बाद अगर वह सिस्टम में शामिल हो सकते हैं जहाँ पे इसे जो है साफ कर सकते हैं तो सिविल सेवाओं को लेने के लिए यहाँ पे MIT के सपनों को छोड़ दिया जाता है। कहानी दोस्तों यहाँ पे एलुरु और इसके जो आस पास के इलाकों में सेट किया गया है जहाँ पे दर्शकों से जल निकाय का दोहन किया जाता है, जिससे जो है भूमि खेती के लिए यहाँ पे अनुपयुक्त होती है और दूसरी यहाँ पे दूसरी जो है मछलियाँ मानव जीवन के लिए एक खतरा बनी हुई है। तो दोस्तों यही कहानी आपको रिपब्लिक फिल्म में देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आप लोग रिपब्लिक फिल्म को हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको G5 पर भी देखने को मिल जाता है, लेकिन फैंस आपको वहाँ पे सब्सक्रिप्शन जरूर लेना होगा। आप लोगों को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको सिर्फ मूवी रिव्यू, मूवी की बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही देखने को मिलता है। और दोस्तों मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी की फिल्म को अपलोड नहीं कर सकता, ये तो आप लोगों को पता है। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हो तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए फैंस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से विस्तार में बात कर लेते हैं रिपब्लिक फिल्म के बारे में। बता दें दोस्तों ये फिल्म साल 2021 में रिलीज हुई भारतीय तेलुगु भाषा की राजनीतिक ड्रामा फिल्म है। इसे देवाकट्टा द्वारा लिखा गया है और निर्देशित किया गया है और दोस्तों इस फिल्म को JB एंटरटेनमेंट्स और जी स्टूडियो द्वारा निर्मित किया गया है। फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म में साई तेज, ऐश्वर्या राजेश और रामय कृष्णा इस फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म में जगपति बाबू भी आपको देखने को मिल जाते हैं। फिल्म की कथानक के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म में तेज का अनुसरण किया गया है, जो एक IAS अधिकारी है जो राजनीतिक की व्यवस्था और प्रशासनिक के साथ जो है मशीनरी में भ्रष्टाचार से निपटने को दिखाया गया फिल्म के अंदर। इसी के साथ दोस्तों रिपब्लिक फिल्म की फोटोग्राफी के बारे में हम बात करें तो 2020 के मध्य में शुरू हुई और फरवरी 2021 में COVID-19 महामारी द्वारा संक्षिप्त रूप से लंबित किए जाने के बाद समाप्त हुआ था। दोस्तों मनीष शर्मा ने फिल्म का निर्माण किया जबकि छायांकन और संपादन क्रमोस एम सुकुमार और परवीन केएल द्वारा किया गया है। रिपब्लिक फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा के लिए 1 अक्टूबर 2021 को नाटकीय रूप से इस फिल्म को रिलीज किया गया था। रिलीज होने के बाद फिल्म को अच्छा रिस्पांस भी देखने को मिला है। साथ ही साथ दोस्तों बता दें फिल्म को 2020 की शुरुआत में लॉन्च किया गया था और फिल्मांकन 2020 के मध्य में शुरू हुआ था, लेकिन जैसे कि आपको पता है इंडिया में COVID-19 महामारी के कारण फिल्मांकन उस वक्त रोक दिया गया था और दोस्तों बाद में दिसंबर 2020 में फिर से शुरू किया गया, जहां पे निवेदिता पेदुराज को पहले फिल्म के लिए चुना गया था जिसे बाद में ऐश्वर्या राजेश ने बदल दिया था, उनकी जगह ले ली थी। इसके बाद दोस्तों फिल्म के शीर्षक की घोषणा 25 जनवरी 2021 को की गई थी। फिल्म को 64 दिनों के लिए शूट किया गया था और फरवरी 2021 में शूटिंग पूरी भी कर ली गई थी। और दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें इस पूरी फिल्म को बनाने में 64 दिनों के लिए शूट किया गया था और फाइनली फरवरी 2021 में शूटिंग पूरी की गई थी। तेज ने जून 2021 में अपने किरदार के लिए डबिंग शुरू भी कर दिया था। साल 2021 की शुरुआत में ही निर्माता ने घोषणा किया था कि फिल्म 4 जून 2021 को रिलीज होगी, लेकिन बाद में दोस्तों फिर से भारत में COVID-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण फिल्म के रिलीज को स्थगित करना पड़ा था। उदाहरण के लिए दोस्तों अगस्त 2021 में फिल्म के रिलीज की तारीख रखी गई, लेकिन दोस्तों फाइनली 1 अक्टूबर 2021 को इस मूवी को फिर से रिलीज किया गया था फाइनली। दोस्तों फिल्म की कहानी के बारे में अगर हम बात कर ले तो साल 1970 में टेलरु झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील में से एक मानी जाती है। फिल्म में
और वहीं पे दोस्तों मछली पकड़ने वाले खेती के लिए एक महत्वपूर्ण झील भी ये बना हुआ है। लेकिन दोस्तों 40 से अधिक वर्षों के लिए झील मुख्य रूप से विशाखा वानी के स्वामित्व वाले मछली पकड़ने के खेतों पर बनाई गई है। इसके बाद देखने को मिलता है कि उसी के साथ ही साथ जो झील को प्रदूषित लोग कर रहे हैं। कहानी एलरू के एक चतुर और दुष्ट युवक पंजा अभिराम की ओर झुक जाता है, मुड़ जाता है, जो अपने पिता पंजा दशरथ के एक भ्रष्ट सरकारी अधिकारी होने के कारण अपने ही परिवार के भीतर भ्रष्टाचार का अनुभव करने के बाद समाज को सच्चा और ईमानदार बनाना वो पसंद करते हैं, जिसके कारण दोस्तों वह अपने पिता को नापसंद करते हैं और विभिन्न परीक्षाओं में अपने उच्च स्कोरिंग के साथ उन्हें MIT में सीट मिल जाती है। हालांकि दोस्तों उनके पिता के एक चुनावी जो है धांधली में भाग लेने के कारण उन्होंने इसे बदलने के लिए राजनीतिक व्यवस्था में और अधिक जो है गोता लगाने का फैसला कर लिया। इसके बाद दोस्तों अभी भी एक साथ जो है मायरा उनके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि मायरा हेंसन से मिलती है जो एक NRI इंसान है जो अपने लापता भाई डॉक्टर वरुण हेंसन की तलाश करने की कोशिश कर रही है, जिसे दोस्तों यहाँ पे गुमनाम के एक स्थानीय गुंडे के साथ बातचीत करने के लिए जाना जाता है। इस बीच दोस्तों एक नई पार्टी की स्थापना होता है और चुनाव में क्लीन स्वीप करते हुए वानी ने यहाँ पे किंग मेकर की छवि हासिल करते हुए अपने बेटे इंद्र कुरु के साथ विष्णु वरदान को आंध्र प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बना दिया। अब दोस्तों बाद में हमें देखने को मिलता है कि अभी एक ऑटो चालक मणि और वानी के खिलाफ न्याय के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे उसके पिता से मिलने जाते हैं। इस बीच अभी और मायरा को ये पता चलता है कि वरुण मृत पाया जाता है, लेकिन उन्हें पुलिस से कोई भी समर्थन नहीं मिलती है। इससे दोस्तों ये एक मृत अंत होने लगता है। इसके बाद दोस्तों UPSC परीक्षा उसी वक्त आ जाता है जहाँ पे उत्तीर्ण करने के बाद अभी अपने सशस्त्र कार के लिए जाता है, लेकिन दोस्तों ट्रेन में जहाँ पे PTSD प्रकरण के बाद वह मणि को गुना धारा मारते हुए देख लेता है जो वानी के आदेशों के अधीन होता है। लेकिन अभी ये सब देखने के बाद अपने इंटरव्यू के लिए जाता है, लेकिन अपने यहाँ पे मानसिकता के कारण जो है चयनित नहीं हो पाता है। हालांकि दोस्तों कुछ दिनों बाद हुआ परीक्षा में टॉपर के रूप में समाप्त होता है, जिसे स्वयं सहित सभी ने माफ कर दिया। अभी को तब ये पता चलता है कि उसे UPSC बोर्ड द्वारा जिले के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में लागू करने के लिए एक प्रयोग के रूप में चुना गया था और राज्य के किसी भी राजनेता द्वारा उसमें जो हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, ये भी आगे देखने को मिलता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है रिपब्लिक फिल्म को, जिसे साल 2021 में रिलीज किया गया था। तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी और आपको कहाँ पे हिंदी डब में देखने को मिलेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। और फ्रेंड्स आप लोगों को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको सिर्फ मूवी रिव्यू ही देखने को मिलता है। गाइस अगर आप लोग इस फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी डब में देखना चाहते हो तो प्लीज आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। बता दें दोस्तों ये फिल्म आपको वैसे अभी यूट्यूब पर हिंदी में देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों इस फिल्म के राइट्स के बारे में हम बात कर ले तो G5 पे रखा गया है। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को आप G5 के ऊपर जाके देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको वहाँ पे सब्सक्रिप्शन जरूर लेना होगा, क्योंकि बिना सब्सक्रिप्शन के आप कुछ फिल्मों को फ्री में देख सकते हैं, लेकिन आपको जो अच्छी फिल्में हैं, जो महंगी फिल्में, आपको सब्सक्रिप्शन देके ही देखना पड़ेगा। बात करें इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में तो 1 अक्टूबर 2021 को मूवी को तेलुगु भाषा में रिलीज किया गया था। मूवी की बजट के बारे में यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। बात करें फिल्म में नजर आने वाले स्टार कास्ट के बारे में तो अभिनेता साई तेज, ऐश्वर्या, राजेश और राम कृष्णा के साथ इस फिल्म में जगपति बाबू अभिनय करते हुए दिखाई दिए हैं। फिल्म के डायरेक्टर के बारे में हम बात कर ले तो देवाकट्टा सर ने फिल्म को डायरेक्ट किया। फिल्म की कहानी देवाकट्टा द्वारा ही लिखा गया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आज का इन्फॉर्मेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल एंड सी यू सून।